लाइफ में क्या शुरू है, बाकी सब कैसे चल रहा है सब कुछ? सब ऐसे ही बस पढ़ा है, बस स्कूल जाओ। अभी तो छुट्टी था फिर भी इसलिए ठीक था, नहीं तो फिर स्कूल जाओ, स्कूल से घर आए कि क्लासेस जाओ, क्लासेस से घर आते 8 बज जाते हैं, और फिर घर में सब लोग रहते हैं इसलिए फोन देखते हैं तो गुस्सा आता है, यू नो, थोड़ा सा क्या दिन भर क्या किया तुमने और अभी फोन देखने लगे, तो इसलिए ज्यादा बाहर किसी से सोशल लाइफ तो है नहीं, तो बस ऐसी जिंदगी बस कटती जा रही है। कोई है ना हमारे दोस्त बाकी के, मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, मैं तो नहीं जा पाई कहीं भी। बीच में मॉम डैड गाँव जाके आए थे, बट मेरा क्लासेस था एंड यू नो एग्जाम्स वगैरह भी था, एंड इस साल अभी रेस्ट नहीं ले सकते ना कोई भी, तो इसलिए मैं ट्वेल्थ है यही भाई, कहती। साल ट्वेल्थ है। 12th है, सभी का 12th है, सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। वैसे हैप्पी बर्थडे टू मी, लाइक मेरा बर्थडे आज रिकॉर्डिंग के दिन, सो वेरी हाँ आई वेरी नो क्रेजी हैप्पी अबाउट दैट। या मैं एक्चुअली वही सोच रही थी दैट शुड आई डू इट और शुड आई नॉट, बिकॉज आई वाज प्लानिंग कि मैं बोलूंगी कि है देखो आज हमारे होस्ट का भी यहाँ पे बर्थडे है, तो आई वुड नहीं, आई बट सीरियसली आई वुड रियली लाइक टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मे ऑल योर विश कम ट्रू एंड यू सक्सीड इन लाइफ। मंडल आभारी है। ओके तो कहाँ से शुरू करें, लाइक बहुत बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास बात करने के लिए आज। वेयर शुड वी स्टार्ट अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो है नहीं, तो वी कैन गो ऑन विथ एनी थिंग। आई थिंक अभी हमने जैसे 12th की बात की, तो थोड़ी पढ़ाई की बात की जाए थोड़ी मस्ती में, ताकि लोग जो सुन रहे हैं वो बोर ना हो। लोग जो सुन रहे हैं उनको पहले तो खुद का एक इंट्रो देते, लाइक मतलब शुरू तो करेंगे हम ऑफ कोर्स, लाइक पॉडकास्ट है ये, सुन रहे हैं सब लोग, बट खुद का एक ऐसा इंट्रोडक्शन दे दे, छोटा सा प्यारा सा स्वीट सा, ऐसे मतलब लोगों को पता चल रहा है कि कौन है आज इस पॉडकास्ट पे आया। सो एवरी वन, माई नेम इज हिमानी और मैं करेंटली 12th में पढ़ रही हूँ। रुदेश और मैं हम लोग जनरली बेसिकली एक ही एरिया में रहते हैं, तो उसकी मॉम एंड मेरी मॉम फ्रेंड्स है, इसलिए हम लोग फ्रेंड्स बने। एंड मुझे भी यू नो काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट करना था जिसमें पॉडकास्ट वॉज एन ऑप्शन, तो दैट्स वाई आई एग्रीड टू गो ऑन विथ हिम, बिकॉज मैंने सुने एक दो, तो आई थॉट या इट्स फन, वी कैन गो ऑन फॉर इट। सो वॉट शुड वी टॉक अबाउट इंडियन एजुकेशन, क्योंकि लाइक बहुत वास्ट टॉपिक है। वैसे अगर चर्चा करने बैठे इंडियन एजुकेशन के बारे में, इट्स समथिंग दैट इज एंडलेस वाइल हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, वाइल स्टेजिंग अ कॉन्वर्जेशन। सो लाइक वेयर शुड वी स्टार्ट विथ इन इंडियन एजुकेशन एज लाइक अ टॉपिक? मेन टॉपिक जो है वो मुझे एक्चुअली ये बताना था, या फिर ये मुझे लगता है कि करंटली यू नो हम लोग सब कोविड वाले बैच है, तो बहुत सारा हमारा ऐसा सबने एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी सारा हमारा सिलेबस जो है वो डिलीट हो गया था, यू नो बुक्स में से या फिर हमारे सिलेबस जो एग्ज़ाम में आता है उसमें से। तो अभी हमें भी स्कूल में लाइक बहुत जगह पे ऐसे पता चला यू नो कि अभी 9th 10th वाले बच्चों का यू नो इट्स लाइक द बेस ऑफ द लाइफ, जो 11th 12th में वो मेन पढ़ते हैं उसका बेस होता है 9th 10th, एंड उसमें उन लोगों का बहुत सारा सिलेबस ऐसे डिलीट किया है। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि जो डिलीशन किया है पार्ट वो जस्टिफाइड ही नहीं है। जैसे अभी 11th 12th में, अभी मैंने तो साइंस ली है तो मैं तो उसी के बारे में बात करूंगी, तो जैसे फिजिक्स में हम लोग मेनली कैसे लॉज ऑफ मोशंस यू नो इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट ये सब बहुत मेन मेन टॉपिक्स होते हैं, तो हम लोगों ने 9th 10th 10th तो मतलब आधी से ज़्यादा फिजिक्स तो हम लोगों ने वही पढ़ी है, और अगर तुम लोग यही टॉपिक्स डिलीट करोगे तो बाद में 11th 12th में बच्चे पढ़ेंगे क्या? क्या उनके लिए वो चीज़ एक बोझ बन के नहीं रहेगा 11th 12th? वो मेन टॉपिक था कि जैसे बायो में भी उन्होंने लेजिट फोटोसिंथेसिस डिलीट किया है, अगर इन लोगों ने फोटोसिंथेसिस डिलीट किया है तो 11th 12th में लोग बॉटनी में क्या पढ़ेंगे? बॉटनी इज बेसिकली बायोलॉजी में जो प्लांट स्टडी का सब्जेक्ट होता है दैट इज बॉटनी, तो अगर उन लोगों ने इतना मेन टॉपिक अभी से डिलीट किया है तो 11th 12th में जाने में उनका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, तो फिर वो लोग कैसे पढ़ेंगे आगे? और ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है, ये बाकी के भी जो भी सब्जेक्ट्स है ना, जो भी SST हो, कंप्यूटर्स हो, और भी जो इंग्लिश में भी काफ़ी उन लोगों ने ग्रामर के टॉपिक्स है, या फिर जो हम लोग राइटिंग सेक्शन में जो पढ़ते हैं जैसे लेटर राइटिंग नोटिस राइटिंग ये सब, उनमें भी इतने मेन मेन टॉपिक्स जो है वो डिलीट कर दिया है कि आगे जाके मतलब कभी कभी हम लोग तो अभी उस स्टेज से गुजर चुके हैं, तो हम लोग को तो ऐसे लगता है कि भाई ये लोग क्या पढ़ेंगे जिंदगी में, इनका होने क्या वाला है आगे, बिकॉज अभी करंट सिलेबस ही इतना हार्ड जाता है, ऊपर से इन लोग का बेस क्लियर नहीं है, तो 11th 12th में आके हमें तो लगता है कि उल्टा वो बच्चे और ज्यादा प्रेशराइज में जिएंगे, पता है? तो वो मेन जिस्ट है उसका। सच में मतलब मैंने भी ये नोटिस किया था, एंड आई जेन्यूनली फेल्ट कि मतलब ये डिलीट कर रहे, ओके लाइक इट्स फॉर लाइक द
एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से इट वॉजेंट अ टॉपिक विच वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स, और सम लाइक मेजोरिटी जो बोलते हैं लाइक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्टेंट रहता है वो वैसे नहीं था. बट एज लाइक अ टॉपिक आई फील कि लाइक एटलीस्ट हमको उसका एक ब्रीफ या फिर लाइक एक इंट्रोडक्शन टाइप दे देते, रादर देन लाइक आस्किंग एवरीथिंग फॉर द एग्जाम एंड टीचिंग इट जस्ट फ्रॉम लाइक द एग्जाम का एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव. आई फेस्ड इट अ लॉट, और ये मुझे बहुत बहुत वियर्ड लगा था इन लाइक द फर्स्ट 4-5 months ऑफ बीइंग इन 10th स्टैंडर्ड. इट वॉज लाइक कि पढ़ाई कर रहे हो, लाइक यू आर स्टडिंग अ लॉट ऑफ न्यू टॉपिक्स, यू आर स्टडिंग अ लॉट ऑफ ओल्ड टॉपिक्स विथ लाइक अ न्यू परस्पेक्टिव विथ लाइक सम न्यू एडिशंस टू इट. बट लाइक जो नए नए टॉपिक्स थे दोज वर लाइक नॉट टॉट, आइदर दे वर डिलीटेड और दे वर लाइक काइंड ऑफ लेफ्ट आउट कह के कि लाइक ये एग्जाम में उतना वेटेज नहीं है इसका तो छोड़ दो. लाइक आई आई फील कि आफ्टर लाइक सच अ लॉन्ग टाइम नाउ समवेयर दैट द सिस्टम हैज़ बीन लाइक प्रोग्राम्ड इन अ वे, लाइक मतलब टीचर स्टाफ सबको ही दे हैव बीन प्रोग्राम्ड इन अ वे कि लाइक बच्चों के एग्जाम में मार्क्स आ जाए तो बहुत है. बट समवेयर आई फील इट डज डिपेंड, लाइक द होल पॉइंट ऑफ एजुकेशन इज लाइक अ पर्सन शुड लर्न, अ पर्सन शुड हैव सम न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स, एंड ऑल्सो समवेयर यू नो इट शुड फीड द इंट्रीगिंग माइंड इन अ वे. 9th-10th में हम लोग को केमिस्ट्री का सबसे मेन टॉपिक, तुझे क्या लगता है, क्या तू केमिस्ट्री देखता है, देखो सबसे पहले ऐसा सबसे मेन टॉपिक केमिस्ट्री का तुझे क्या याद आता है? पीरियोडिक टेबल. भले ही हम लोग को पीरियोडिक टेबल पूरा डिटेल में ना हो, लेकिन पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक मास, ये वो पता नहीं और भी कितने सारी चीजें. और लेजिट मैंने कल ही न्यूज में देखा कि उन्होंने 10th में से पीरियोडिक टेबल निकाल दिया है. लाइक सीरियसली, बुक के प्रिंट में ही नहीं है वो टेबल. तो अभी अगर इन लोग का ऐसा रहेगा, और अगर वो पीरियोडिक टेबल बच्चों ने कभी देखा ही नहीं है, और तुम उनको बता रहे हो कि भाई सल्फर का ये प्रॉपर्टीज होता है, हाइड्रोजन का ये प्रॉपर्टीज होता है, वो बंदे को पता ही नहीं है ये एलिमेंट्स है क्या, ये क्यों है, तो वो कैसे उस चीज को पढ़ेंगे? एंड जैसे तूने बोला, इट्स वेरी ट्रू कि लाइक अभी का जो सिस्टम है वो सब हम लोग को ये चाहता है कि हम लोग बस बैठे, बुक्स भरे और मार्क्स ले, दैट्स इट. तुम्हारे दिमाग में कुछ जा रहा है, तुम्हें कुछ नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है उन्हें. इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू. हम लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया है भाई. हम लोग इतना दो दो तीन तीन चार चार घंटा बैठ के जर्नल लिखते हैं, लास्ट में वो जर्नल्स का क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस जाके लेबोरेटरी में जाके पड़े रहते हैं वो. और सारे बच्चे यहाँ पे, इनको टाइम नहीं मिलता, इसलिए रात का 2-2, 3-3 बजे जाग जाग के जर्नल्स कंप्लीट करते हैं. और कभी इसमें कुछ गलती भी हो गई तो टीचर्स आ लाइक, क्या ये वापस से लिखो, इसमें कुछ ये है नहीं. तो दिस इज वेरी रॉन्ग, राइट? इसकी वजह से कैसे मन करेगा इंसान का पढ़ने का भी? इट्स लाइक आफ्टर सो मेनी ईयर्स ये रिजिड हो गया. आई फील लाइक द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, बट आई एम नॉट टेलिंग कि मतलब कहीं कहीं एजुकेशन इज लाइक नॉट गुड एट ऑल. इट्स जस्ट कि लाइक कुछ कुछ पर्सपेक्टिव्स में और कुछ कुछ रीजन्स में इट्स नॉट दैट वेल इक्विप्ड एंड लाइक वेल सेटल्ड इट्सेल्फ. जैसे अभी एग्जाम्पल दू, सो वी ऑल स्टडीड लाइक मैथ्स का अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन 10th स्टैंडर्ड, एंड लाइक द वे वी वे लाइक आई वॉज बीइंग टॉट इन माई स्कूल, इट वॉज मेजरली लाइक कि मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में आने वाला है, इतना पढ़ लो इतना हो जाएगा, ये क्वेश्चन रट्टा मार लो, नो द सीक्वेंस हाउ टू सॉल्व इट वगैरह वगैरह. आई वॉज लाइक ओके करेक्ट फ्रॉम योर पार्ट, क्योंकि तुमको बच्चों को जेन्युइनली लाइक एक रिजल्ट ओरिएंटेड वे में तुम देख रहे हो बच्चों को, विच इज नॉट बैड, इट इज नॉट नेगेटिव बाय एनी स्टैंडर्ड्स. बट सिमिलरली आई डिंट काइंड ऑफ गेट इंट्रीग्ड बाय इट, और मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा, एंड आई जेन्युइनली डिंट फील दैट मच इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड कि मैं पढ़ाई करूँ इन अ वे, बिकॉज वो बहुत मोनोटोनस हो रहा था एक बात तो, और सेकेंड लाइक एक मतलब कोई भी टीचर की एक एनर्जी रहती है वाइल दे आर टीचिंग यू, दे आर इंस्ट्रक्टिंग यू अबाउट समथिंग. मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स दैट आई विटनेस्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड लाइक द सेम टीचर्स हैव टॉट मी इन माई अर्लियर क्लासेज ऑल्सो, बट इन 10th स्टैंडर्ड दे वेर लाइक एक तो सीरियस मूड में रहते थे, विच इज ओके, लाइक इट्स अ वेरी सीरियस ईयर, यू नीड टू टेक थिंग्स सीरियसली इन दैट स्पेसिफिक ईयर, ऑल ओके ऑल इन अकॉर्डेंस, बट दे वेर लाइक कि मतलब इतना पढ़ लो इतना कर लो, डोंट थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक बी फोकस ऑन जस्ट एग्जामिनेशन, लाइक बी फोकस ऑन द बोर्ड का एग्जाम. करेक्ट, नॉट रॉन्ग इन एनी परस्पेक्टिव, बट लाइक एक पढ़ाई से छोड़ के भी एक लाइफ रहती है, और सेकेंडली पढ़ाई में भी लाइक एक सेकेंड
लाइफ वेर यू जेन्युइनली फील इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट समथिंग, टू लाइक गेट एजुकेटेड इन एयर कोट्स, लाइक गेट एजुकेटेड अबाउट समथिंग, पूरी क्रिएटिव जो प्रोसेस है उसको ही किल कर देती है समवेयर एजुकेशन सिस्टम, जस्ट बिकॉज यस लाइक मतलब ये मैंने पहले वाले पॉडकास्ट में भी बोला था कि लाइक हमारे कॉलेज में भी रिसेंटली एक सेमिनार टाइप हुआ था, एंड उसमें ओके जो मतलब मैम आई थी शी गेव अ वेरी नाइस कोट, शी वॉज लाइक कि द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज नॉट फोकस्ड ऑन इंट्रीगिंग एंड सेटिस्फाइंग द ह्यूमन माइंड, बट इट्स रादर मोर फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग सो कॉल्ड एजुकेटेड स्टूडेंट्स. एग्जैक्टली सो ट्रू सो ट्रू. जो भी टीचर थी यार उनको मेरा सलाम. शी जस्ट यू नो कैच दी पॉइंट कि लाइक यू नो कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज में अभी भी हमारा सिस्टम कुछ कुछ इसमें काम कर रहा है. बट जैसे अभी हम लोग का नया पॉलिसी आया है एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बच्चों को लाइक एक्चुअली मुझे तो पहली बार ऐसा लगता है कि जिंदगी में पहली बार जिसने भी ये पॉलिसी बनाया उसने बच्चों के बारे में सोचा है कि लाइक उन लोग को इतने सारे वेराइटीज ऑफ ऑप्शन दिए है कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से दे कैन चूज द सब्जेक्ट्स. यू नो तो लाइक हम लोग पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो इंटरेस्ट है, कभी कभी ऐसे भी होता है यू नो कि हम लोग को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो हम लोग कभी कभी उसके बारे में भी पढ़ने का मन करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे अभी बायो पसंद है तो मुझे भी ऐसे मन करता है कि भाई नहीं भले ही मैं बाकी का मैंने कोई भी सब्जेक्ट लिया, मैंने आर्ट्स लिया हो कॉमर्स लिया हो, बट मुझे मन करता है कि नहीं मुझे लाइफ के बारे में मुझे बायोलॉजी के बारे में और पढ़ना है. तो दे हैव दैट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक कि नहीं अभी मैंने आर्ट्स लिया है तो ठीक है मुझे अभी और कोई सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते तो उससे अच्छा चलो कुछ और जैसे फोटोग्राफी के बारे में पढ़ लिया या फिर कोई हैंडराइटिंग के बारे में पढ़ लिया, कैलीग्राफी का आर्ट सीख लिया, ऐसा वैसा वैसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहा है उसमें. तो दैट इज़ वन थिंग जो बहुत अच्छा किया है. बट फिर भी अभी भी बहुत बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें अभी भी वो बहुत लैक कर रहे हैं. बच्चों को लिटरली इट्स लाइक यू नो दे आर मेकिंग रोबोट्स, बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बाकी तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. एंड इनफैक्ट ये इतना कैजुअल हो गया है कि टीचर्स भी पढ़ाते पढ़ाते इतना कैजुअली बोल जाते हैं कि अरे ये तो तुम्हारे एग्जाम में आने भी नहीं वाला तो उसको क्यों पढ़ना है, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा तुम इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करो. तो भले ही वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो या ना हो, ये इतना ज्यादा कैजुअली सबके दिमाग में भर गया है. मतलब अभी लाइक 2 महीने 6 महीने 7 महीने का ही सोचते हैं, बट रादर शुडेंट बी लाइक थिंक ऑफ एजुकेशन एज समथिंग वी विल डू फॉर लाइक 10 ईयर्स 15 ईयर्स, क्योंकि जेन्युइनली अभी एजुकेशन पहली बात तो इट्स वेरी कॉस्टली नाउ, लाइक प्राइवेट एजुकेशन इज डैम कॉस्टली, लाइक द फीस ऑफ लाइक अ रेगुलर स्टूडेंट इन इंडिया इन लाइक CBSE बोर्ड वॉज अराउंड 1 लाख 1.2 लैक्स, विच इज ट्रू अ ट्रू लॉट फॉर लाइक अ इंडियन हाउस होल्ड रनिंग ऑन लाइक जस्ट वन पेरेंट का कमाई, बट लाइक स्टिल असिस्टेड विथ लाइक द अदर पेरेंट, इट्स स्टिल रिलेटिवली मेजॉरिटी ऑफ चंक ऑफ मनी जस्ट लाइक गेटिंग स्पेंड फॉर लाइक एजुकेशन, और उसमें भी इफ यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ एजुकेशन दिस टाइप ऑफ अप्रोच टूवर्ड्स लाइक पढ़ाई नहीं, मतलब ये सहन नहीं कर सकते इन अ वर्थ. वे. एंड ऑल्सो लाइक द सेकेंड थिंग कि एजुकेशन इज नॉट लाइक समथिंग दैट वी शुड बी टॉट, इट शुड बी जेन्युइनली लाइक इनर्टली योर फीलिंग कि ओके आई शुड गेट एजुकेटेड, मुझे पढ़ाई करनी है, जैसे तूने बोला कि लाइक आई आई एम इंटरेस्टेड इन लाइक लर्निंग दिस टॉपिक सो आई विल लर्न अबाउट इट इररिस्पेक्टिव कि लाइक मतलब वो मेरे सो कॉल्ड डिग्री से लाइक कनेक्टेड हो या नहीं, बिकॉज आई नेवर नो हाउ आई विल यूज दैट टॉपिक इन माई लाइफ, बिकॉज इट्स नॉलेज इज लाइक एनॉर्मस टू टेक, एंड कहीं से भी ले सकते हो तुम लाइक नॉलेज एक्सपीरियंस, सब यू कैन अर्न इट थ्रू आउट योर लाइफ, बट लाइक एजुकेशन इज नॉट समथिंग दैट यू आर अर्निंग, इट्स रादर आई फील नाउ इट इज इट्स बींग फोर्स्ड अपॉन अस, एंड इट्स लाइक वी आर डूइंग इट फॉर समथिंग दैट वी विल गेट इन लाइक 4 ईयर्स 5 ईयर्स, लाइक क्यों मतलब इतने परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं बच्चे, क्योंकि दे आर लाइक मतलब IIT मिलना चाहिए ये मिलना चाहिए, ओके IIT मिले लाइक इट्स गुड लाइक यू आर गेटिंग अ प्रेस्टिजियस कॉलेज एंड ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योर सेल्फ तुमको ये सब करना है या नहीं, इफ यू आर जेन्युइनली नॉट इंटरेस्टेड जिसमें इंटरेस्टेड है उसमें करो, क्योंकि 20 ईयर्स डाउन द लाइन यू आर गोइंग टू डू अ थिंग दैट यू लव और समथिंग दैट्स गिविंग यू लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बट नो सैटिस्फैक्शन, सो जेन्युइनली थिंक अबाउट इट, लाइक टेक अ प्रोफेशन टेक अ जॉब टेक अ प्लेस वेर यू कैन गेट एजुकेटेड टेक अ डिग्री इन सच वे वेर इट विल गेट यू सम ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, बाय मनी आई डोंट मीन चेस बिहाइंड मनी, आई एम टेलिंग कि लाइक चेस बिहाइंड एक्सेलेंस इन दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, क्योंकि वो जेन्युइनली तुमको इंटरेस्ट करता है तो लाइक यू विल बी मच मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग लाइक अ एक्सपर्ट काइंड ऑफ विजन एक्सपर्ट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट लाइक दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे लाइक अभी मेरे लिए दैट सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी, लाइक मैंने अभी मेरे पेरेंट्स के साथ वही टॉक आउट किया था लाइक बिफोर आई टॉक
टुक इन फॉर माई 11th का एडमिशन, दे वे लाइक कि मतलब साइंस कर ले, कॉमर्स कर ले, सो दैट तेरे पास लाइक फ्यूचर ज़्यादा चांसेस रहेंगे. आई एम लाइक कि आई विल डू साइंस एंड कॉमर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव फॉर यू, एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो मैं पढ़ूंगा इट्स नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन लाइक द डिग्री दैट आई एम गोइंग टू टेक. लाइक मैं पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर पीसीएमबी पढ़ूंगा, या फिर लाइक मैं लाइक कॉमर्स का लाइक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ूंगा, अकाउंट्स वगैरह, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी इन माई लॉन्ग टर्म का डिग्री ना. लाइक जस्ट बिकॉज आई शुड हैव ऑप्शंस आई विल टेक अनदर स्ट्रीम एंड देन लाइक काइंड ऑफ आई विल जम्प बैक टू वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू इन फ्यूचर. लाइक दैट्स नॉट समथिंग आई फील इज वेरी वेरी सस्टेनेबल. एंड लाइक काइंड ऑफ जैसे अभी मैंने कर दिया, लाइक आई टुक द रिस्क, आई टुक द सब्जेक्ट दैट आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन एंड आई एम फ्लरिशिंग इन इट, क्योंकि अभी आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन लर्निंग साइकोलॉजी, डूइंग सम लाइक रिसर्च अबाउट इट, फाइंडिंग द थियोरीज, फाइंडिंग द एक्सपीरियंस. लाइक साइकोलॉजी लेने के बाद जेन्युइनली काइंड ऑफ माई लाइफ हैज हैड लाइक थोड़ा सा स्विच ऑन अबाउट सम अदर परस्पेक्टिव विच आई जेन्युइनली डिडंट थिंक अबाउट पहले. इट्स द रिस्क दैट आई टुक एंड ऑल्सो लाइक टेकिंग साइकोलॉजी अर्ली ऑन फ्रॉम लाइक द जेसी, लाइक जूनियर कॉलेज, लाइक 11th 12th दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. 11th 12th से लोगे तो काइंड ऑफ आई हैव लाइक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के लाइक ओके साइकोलॉजी में क्या क्या कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं, कौन से कोर टॉपिक्स हैं, एंड वॉट आई कैन फोकस ऑन एंड वॉट आई कैन लाइक स्पेशलाइज इन वेन लाइक द प्लेस फॉर टेकिंग अ डिग्री कम्स इन. वैसे ही इफ समवन हैज लाइक अ इंक्लिनेशन टूवर्ड्स बायो, करो भाई पीसीबी, मैं तो बोलता हूँ झक मार के करो, क्योंकि तुमको जेन्युइनली बायो में इंटरेस्ट है एंड यू विल डू समथिंग और द अदर अबाउट इट. एंड अगर तुमको कॉमर्स में है, कॉमर्स में करो, लाइक कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर शुडंट बी लाइक अ सोसाइटिकल प्रेशर कि लाइक मतलब यही करना चाहिए, वही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि दैट्स जस्ट अस गेटिंग रिजिड एंड नैरो माइंडेड, विच इज नॉट समथिंग दैट वी थिंक अबाउट और वी शुड हैव इन लाइक द लॉन्ग टर्म ऑफ थिंग्स. It's so true. Agar if anyone has an interest in something, the person is ready to like even do it till the time he dies. You know, like it's a daily life experience. अगर हमें कोई ऐसा project दिया है जो हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे for my experience मुझे SST ये subject बिल्कुल पसंद नहीं था, because मेरे लिए वो एक तो मतलब मुझे इतना खास history especially मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसमें actually कैसे उसमें dates and all you know सब ऐसा kind of थोड़ा सा याद रखने का part ज़्यादा है and I hate that याद रखने का part. मेरा फंडा लाइफ का ऐसा है कि मुझे समझ में आया, मुझे वो अप्लाई करना है, दैट्स इट. आई डोंट वांट टू रिमेम्बर एनीथिंग दैट ओके ये ऐसा करना होता है, मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है. तो एसएसटी वाज लाइक नॉट माय सब्जेक्ट एंड हमें एसएसटी का ना स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलते थे हम लोग को, काफ़ी सारे कि लाइक इसका रिसर्च करके आओ, उसका रिसर्च करके आओ, इसका टाइम लाइन बनाओ, उसका टाइम लाइन बनाओ, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता था. तो वो मुझे तुम लाइक 10 दिन भी दे दोगे ना करने के लिए, मैं उसमें से एक शब्द कभी मैंने बुक का मतलब एग्जाम के एक दिन पहले मैंने बुक जो खोल के पढ़ी है, बस मैंने एसएसटी जिंदगी भर में बस उतनी पढ़ी है. लेकिन वही अगर तुम मुझे कभी कुछ आर्ट का दे दो, कोई ड्राइंग बनाने के लिए दे दो, या फिर कभी कोई बायो का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दे दो, तुम मुझे पूरा 1 महीना भी टाइम दे दोगे ना, 2 दिन के अंदर प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा. क्यों? बिकॉज मुझे उस चीज में इंटरेस्ट है, तो मेरा जितना भी पोटेंशियल है वह सब बाहर निकल के आता है. एंड यही तो चाहिए लोगों को, हमारा फ्यूचर जो है वो हम ही हैं, इस पूरे कंट्री का भी फ्यूचर हम ही लोग हैं. तो अगर हम लोग अपने पूरे पोटेंशियल पे काम करेंगे तो तभी जाके इतना मेजर आउटपुट निकलेगा, तभी जाके वो हमसे ज़्यादा बढ़कर हमारे इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करेगा. बिकॉज जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम भले ही वो किसी भी तरह से सीख ले, लेकिन कहीं ना कहीं से हम उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाए, ये पॉइंट हम ढूंढते ही है. जैसे तूने अभी बोला कि तूने साइकोलॉजी पढ़ी तो इट वॉज अ स्विच ऑन फॉर यू, क्योंकि यू विल यू नो अनकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में तुम किसी का कोई फोन पे बात कर रहे हो तो तुम यू नो उसके चेहरे के हाव भाव को देख के उसको समझने की कोशिश करोगे कि इसका ऐसा एक्सप्रेशन है, मतलब मे बी ही इज ट्राइंग टू यू नो टॉक समथिंग अबाउट दिस. अगर वो टेंसड है तो मे बी ही इज हैविंग सम प्रॉब्लम, अगर वो हैप्पी है तो मे बी कोई उससे ऐसे इंसान से बात कर रहा है जिससे उसने बहुत दिन से बात ना की हो. अगर वो दुखी है मतलब ऑफकोर्स इसकी जिंदगी में कुछ तो दुख है एंड ऑल. और धीरे धीरे उस सब्जेक्ट के बारे में तुम जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तुम उसका और एप्लीकेशन ढूंढते जाओगे. जैसे हमारे क्लास में तो अभी ऐसा है कि हमारे साथ जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो भी बैठते हैं, बिकॉज हमारे स्कूल में आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जगह नहीं है, यू नो स्कूल में बाकी के ही बच्चे इतने सारे भरे हुए हैं, इसलिए तो उनकी साइकोलॉजी की बुक्स हम भी पढ़ते हैं. एंड साइकोलॉजी सम ऑफ द अदर वे यू नो न्यूरॉन्स एंड ऑल ये सब थोड़ा सा रिलेटेड होता है बायो से, तो ये चीज़ें बहुत समझने वाली होती है. कि कभी कभी हमें भी ऐसा बताया जाता है कि अगर तुम खुश होते हो
तो तुम्हारे लाइक ब्रेन में से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, फिर वो हार्मोन का इफेक्ट कैसे होता है, उस इफेक्ट से तुम्हारे बॉडी का जो अपियरेंस होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, वो कैसे चेंज होता है. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, ये अप्लाई होने लगती है, और धीरे धीरे जैसे ये अप्लाई होने लगती है ना, तो धीरे धीरे वैसे ही हम उस चीज़ को और समझते जाते हैं, और इसी से जो आउटपुट रहता है हमारा, मेन जो पोटेंशियल होता है एक इंसान का, वो और निकलते जाता है, वो और इंटरेस्ट लेता है और उस चीज़ को करने के लिए सोचता है. और जब वो कुछ करने के लिए सोचता है, तो वो सिर्फ अपने आप पे या फिर अपने आजू बाजू के लोग तक लिमिटेड नहीं रहता है. ही थिंक्स फॉर द होल वर्ल्ड एज हिम सेल्फ एंड ही ट्राइज टू वर्क अपॉन इट. तो यही तो चाहिए ना हमें ज़िंदगी में, यही तो चाहिए, लोगों को भी यही चाहिए, हमें भी यही चाहिए, कि हम खुद भी एक ऐसे लेवल पे जा पाए जहाँ पे हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कभी हमारे लिए स्ट्रेस ना बन के रहे, और उस चीज़ का फ़ायदा सिर्फ हमें नहीं, तो हमारे आजू बाजू के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग से हम कनेक्टेड हैं, उन सबको भी उस चीज़ के बारे में फ़ायदा होना चाहिए. बट अगर तुम ऐसे कुछ कर रहे हो जो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तुम खुद के लिए भी उसके लिए कभी अप्रोच नहीं करोगे, दूसरों के लिए भी उसके लिए कभी अप्रोच नहीं करोगे, वैसे के वैसे ही पड़े रहोगे बस. कभी कभी मतलब ऐसा भी है कि लोगों को अगर पैसा कमाना है ना, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जाके कमा सकते हैं, पैसे की कमी किसी को नहीं है, ऐसी वाली बात रह गई है. इसलिए ऐसा नहीं है कि बस वो काम कर रहा है, ऐसे तो कितने सारे लोग भी है ना जो इतना अच्छा काम कर रहा है, बट लोगों को वो बात नहीं पसंद आती है. क्यों? क्योंकि वो इंसान ही ऐसा काम कर रहा है जो उसे नहीं पसंद है, एंड ही इज काइंड ऑफ फोर्स्ड, तो वो उतना पूरा पोटेंशियल दे ही नहीं पाता है. बट एक्चुअली फैमिली के नजरिए से देखेंगे उस चीज को, तो ऑफकोर्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नो हमारा पैशन अनफुलफिल रहता है, फुलफिल नहीं हो पाता है. हाँ, बट लाइक एट द बोल बोल. सेम टाइम वी कैन से ना कि लाइक इफ़ वी स्टार्ट अर्ली ऑन, लाइक मतलब हमारे पेरेंट्स का कैसे हो गया, लाइक दे वेर फ्रॉम अ जनरेशन वेर लाइक दे जस्ट हैड टू गेट अ डिग्री टू गेट वर्क, एंड लाइक उनका पर्सपेक्टिव ऐसा था. बट नाउ दैट लाइक द नेक्स्ट जनरेशन हैज कम अप, सोशल मीडिया है हमारे अराउंड, देन लाइक ओवरऑल थॉट प्रोसेस ऑफ लाइक द होल जनरेशन दैट वी आर, लाइक द जेन जीज, द जेन अल्फा जो हमारे बाद है, लाइक द होल पर्सपेक्टिव एंड थॉट प्रोसेस हैज चेंज डिस्टिंक्टिवली एंड वेरी ड्रास्टिकली. लाइक सेट रूल्स एंड एथिक्स है, दोज आर वेरी वेरी डिफरेंट टू आर पेरेंट्स का जनरेशन. एंड समवेयर हमारे पेरेंट्स के जनरेशन केम टू अ पॉइंट इन द लाइफ के लाइक दे हैड टू गेट अ डिग्री, दे हैड टू गेट अ जॉब, एंड वो जॉब में दे ट्राई टू फाइंड द हैप्पीनेस. बट लाइक नाउ दैट वी हैव थिंग्स अर्ली ऑन इन आर लाइफ, लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया, रिसोर्सेज हो गया, जैसे कि डे टू डे रिसोर्सेज, खाना पीना, देन लाइक जो मतलब सैनिटेशन के रिसोर्सेज रहते हैं, लाइक वी हैव एवरीथिंग चेक्ड ऑन आर लिस्ट ना, लाइक देयर इज नथिंग दैट वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ और समथिंग दैट वी हैव टू स्ट्राइव अ लॉट फॉर. इट्स नॉट लाइक दैट, वी आर गेटिंग थिंग्स इन हैंड सो दैट नाउ वी आर समवेयर लाइक इन अ पर्सपेक्टिव दैट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, सो दैट वी कैन थिंक नाउ आउट ऑफ दैट होल स्टिग्मा दैट आर पेरेंट्स जनरेशन हैड, एंड वी कैन थिंक समथिंग आउट ऑफ इट एंड समथिंग उससे ज्यादा, उससे थोड़ा अलग और थोड़ा बेहतर इन अ वे ऑल्सो. जैसे ये भी ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स मतलब हम अगर कोई चीज़ अदर देन स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं, तो दे आर लाइक एग्जाम्पल्स हमें ऐसे मिलते हैं कि अच्छा तुम ये करके सचिन तेंदुलकर थोड़ी बढ़ जाओगे, अच्छा तुम ये करके ये थोड़ी बन जाओगे. बट हमें ये बात भी समझना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर है, तो उसके भी लाइफ में कभी ना कभी उसने वो रिस्क लिया था, उसने कहीं ना कहीं से, हो सकता है उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके या मे बी उसके पेरेंट्स के सपोर्टिव से, वो एक पॉइंट था उसकी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में भी जब उन्होंने स्टार्ट किया था. बट हमारे इसमें अभी इनसिक्योरिटीज़ ही इतना ज़्यादा रहती है कि मे बी हम लोग आगे जाके इसे नहीं कर पाएंगे, मे बी हमें सपोर्ट नहीं करेंगे पेरेंट्स, मे बी ये हो जाएगा, मे बी वो हो जाएगा, कि वो हम अपनी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट लेते ही नहीं है. एज अ जनरेशन वी आर स्टिल लाइक थोड़ा बॉग डाउन, मतलब और 2-3 जनरेशन लगेंगी थोड़ा और ओपन होने में, बट इट्स ओके, लाइक दैट्स कॉल्ड एवोल्यूशन, दैट्स कॉल्ड लाइक ओवरऑल बीइंग अ स्टेबल सोसाइटी, दैट्स अ सोसाइटिकल पार्ट. बट आई फील कि लाइक मतलब हमारे पेरेंट्स के जनरेशन टॉक अबाउट नॉट बीइंग एबल टू अचीव योर पैशन, एंड लाइक जो तूने बोला लाइक तुम अपने पैशन को पोस्ट नहीं पाते, इट्स समथिंग नॉट दैट मच बेनिफिशियल फॉर यू, वी आर नॉट लाइक दैट मच मोटिवेटेड अबाउट टेकिंग रिस्क इन जनरल. इट्स की बिकॉज पहली बात तो लाइक हमारी पेरेंट्स की जनरेशन के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो दे डिडंट स्टार्ट ऑन अर्ली इन लाइक इन्वेस्टिंग इन देयर पैशन, दे डिड वॉट दे फेल्ट वॉज राइट फॉर देम एंड वॉट द सोसाइटी टोल्ड देम, जो हमारी जनरेशन अभी जेन्यूनली नहीं करती है. हम हमारा रिसर्च करके बैठ जाते हैं, हमको ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है,
पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी. अभी भी है थोड़े से लोग हु आर नॉट सो मच इन टू थिंग्स. दे डू वॉट द सोसाइटी टेल्स देम टू डू, द पेरेंट्स टेल देम टू डू, द रिलेटिव्स टेल देम टू डू. बट स्टिल जो भी मतलब माइंडफुल थॉटफुल पीपल है इन इन दैट होल ट्राइब, वो अपना सेट करके बैठते, रिसर्च करके बैठते, बोलते हैं कि हाँ मेरे को ये करना है ये करना है, ये अच्छा लगता है, आई कैन डू दिस दिस दिस, आई कैन टेक दिस डिग्री, आई कैन गो फॉर दिस जॉब, आई कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन. लाइक वी आर लाइक काइंड ऑफ वी हैव आर चेक पॉइंट्स ऑलरेडी नोटेड डाउन, जो हमारे पेरेंट्स के पास नहीं था. दे वर ऑल ब्लाइंड फोल्डेड इन टू द होल, थ्रोन इन टू द रिंग कि लाइक कर लो अभी खुद का कुछ. एंड दैट्स वाई समवेयर दे आर थोड़ा सा एडमेंट स्टबन, या फिर थोड़ी वो काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना अनकंफर्टेबल है वो अभी भी अबाउट लाइक इन्वेस्टिंग इन योर पैशन, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला था. बट सीइंग इट फ्रॉम आर पर्सपेक्टिव, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं इट फ्रॉम लाइक 10th 11th 12th, सो वी हैव हाउ मच ईयर्स नाउ, लाइक कॉलेज के 4 ईयर्स पकड़ ले, ये 2 साल जो अभी हमको मिले हैं, 4 2 एंड मोर 2 ईयर्स और मास्टर्स किया है किसी ने, PhD वगैरह किया, तो वो आगे. बट इन लाइक मिनिमम वी हैव अबाउट 6 to 8 years for ourselves, like to build upon ourselves, to build upon what we think is our passion, and like इसमें मैं कुछ आगे करूँगा. हमारे पास वो 8 साल है, वो 8 साल का वक्त है, वो समय है कि हम उसमें कुछ कर दिखाएं. बट वो हमारे पेरेंट्स के पास नहीं था. दे वे लाइक उनको जॉब लग गई, उसके बाद उनको लाइक ये काइंड ऑफ ट्राई को कि ओ लाइक मेरा ये पैशन था, आई कुड हैव डन दिस इन दिस, उनका वैसे हो गया. एंड दैट्स वाई दे आर समवेयर थोड़ा अनकंफर्टेबल, कि कोई अगर बोलता है नहीं लाइक मेरे को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स करना है, या फिर मेरे को ये अच्छा लगता है मैं इसमें करूँगा, इसके लिए उनको लगता है कि लाइक इसके पास उतना समय है या नहीं, इसके पास उतना पोटेंशियल है या नहीं, ये इस सबको झेल पाएगा या नहीं इन अ वे, लाइक बिकॉज दे हैव लाइक अ इमोशनल साइड ऑल्सो. पेरेंट्स इमोशनल रहते हैं, कितना भी हम बोल ले कि वो स्ट्रिक्ट है, ऐसे है वैसे है, चिल्लाते हैं ताने मारते हैं, वो इमोशनल है तुम्हारे बारे में, उतनी ही चिंता करते हैं. इसके लिए वो समवेयर तुमको ताने मारते कि लाइक 4 बातें तू उनकी सुनेगा, उसमें से एक बात याद रखेगा, और वो एक बात तुझे कहीं ना कहीं लाइफ में फ्यूचर में हेल्प करेगी इन सम इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ दैट यू विल मेक. एक्चुअली यू नो बट एक्चुअली उनके पास भी ऑप्शन भी नहीं था ना, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दूँ, मेरे जो पेरेंट्स थे वो मेरे होम टाउन में रहते थे, एंड माई होम टाउन इज लाइक इट्स वेरी काइंड ऑफ यू नो रिमोट काइंड ऑफ एन एरिया. तो वहाँ पे यू नो माई फादर यू नो सीइंग कि लाइक उनके घर का कंडीशन इतना खराब है एंड ऑल, तो यू नो तुम्हारे दिमाग में ऐसी कंडीशंस को देख के सबसे पहली चीज़ यही आती है कि तुम किस तरह से अपनी फैमिली को या अपने आप को यहाँ से बाहर निकल के ग्रोथ करवाओ, ताकि तुम सबको एक अच्छे लेवल तक ला सको. लाइक इवन माई फादर इज एक्चुअली माई रोल मॉडल ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैंने कभी उन्हें देखा तो नहीं है उस कंडीशन में, बट मैंने उनकी बातें जो सुनी है और उनकी बात करने के तरीके से जो यू नो वो एक ऑरा रहता है, वो एक एक्सप्रेशन रहता है जो समझ में आता है कि नो दे हैव सफर्ड अ लॉट. तो उस चीज़ को मन में रखते हुए आई रियली हैव अ वेरी रिस्पेक्ट फॉर देम. एंड दे डू टेल मी कि जब वो अपने होम टाउन में रहते थे तो दे यूज टू सी यू नो दैट हाउ देयर मदर्स कंडीशन इज, हाउ देयर फादर्स कंडीशन इज, उनके भाई बहन की क्या कंडीशन है. तो वो समवेयर और दी अदर मैन अनकॉन्शियसली एक बड़ा भाई होने के नाते उनके दिमाग में खुद वो चीज़ आती थी कि नहीं आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू टेक माई फैमिली आउट फ्रॉम दैट. एंड उसी टाइम पे लकीली उनके वन ऑफ द फ्रेंड थे, ही वॉज लाइक कि ओके देर इज़ यू नो नेवी की भर्ती होती है ना, उस चीज़ के लिए वहाँ पे तब चल रहा था. एंड देन ही वॉज लाइक लेट्स गो वी कैन ट्राई. एंड इवन माई फादर नेवर हैड एनी यू नो आइडिया ऑफ वॉट एक्चुअली दे आर गोना डू इफ दे डू गो इन नेवी, बट दे वर लाइक कि ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं, हुआ तो हुआ. एंड दैट ऑल्सो दे एक्चुअली डिड जस्ट फॉर लाइक ठीक है अगर जॉब लग गई वहाँ पे तो वील हैव अ सोर्स ऑफ इनकम. उनके दिमाग में ये नहीं था कि अभी यू नो मतलब अगर मैंने काम किया तो आई विल सर्व फॉर द कंट्री और देर इज समथिंग. तो तब जाके फिर वहाँ पे वो गए भर्ती के लिए एंड दे डिड एक्चुअली गेट सिलेक्टेड. एंड तभी से फिर वहाँ से कभी कभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और स्ट्रगल करके लाइफ ऊपर आई. एंड हम लोग भी अभी एग्जैक्टली इस टाइम पे पैशन इस टॉपिक के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो ऑलरेडी मिल चुकी है, इसलिए जो चीज़ हम लोग को मिल चुकी है हम लोग कभी उस पे ध्यान नहीं देते, उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं. और उन्हें कभी वो चीज़ मिली ही नहीं, तो पहले हम उन्होंने वो चीज़ को हासिल करने की कोशिश की जो उन्हें नहीं मिला. या लाइक दे डिड अ वेरी कमेंडेबल जॉब. लाइक द पेरेंट्स जनरेशन उनको लाइक जेन्युइनली अंडरमाइन बहुत करती है हमारी जनरेशन के लिए. तुम मतलब थोड़े बहुत पुराने बैकवर्ड सोच के बैकवर्ड, हो. हाँ भाई ओल्ड फैशन हो, या बैकवर्ड हो,
लाइक द होल जनरेशन इज थोड़ा टाइप कास्ट आई फील, क्योंकि हम्म, हर पेरेंट वैसा नहीं होता एंड हर कॉन्टेक्स्ट में हर पेरेंट वैसा नहीं होता. लाइक दैट्स टू एग्जैक्टली, द डिफरेंट थिंग्स. कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. या लाइक जैसे तूने बताया कि लाइक हमारी बेसिक नीड्स हो गए, हमारे पेरेंट्स को बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्राइव करना पड़ता था. लाइक मेरे पापा का ये लाइक एक पेटेंट डायलॉग है, ओके. लाइक वो मुझे हर बार यही बोलते हैं, लाइक कुछ भी हो गया कि लाइक ही इज लाइक कि मैं 10 by 10 की लाइक 10 by 10 की 10 feet by 10 feet के रूम में रहता था विथ लाइक द होल फैमिली, लाइक माई जी, दादी जी, लाइक माई फादर्स सिस्टर एंड हिज यंगर ब्रदर. ऐसे 5 लोग 10 by 10 की रूम में विथ लाइक द होल सामान, किचन सब एक जगह पर, विथ लाइक कॉमन टॉयलेट्स फॉर द होल लाइक चाल. वैसा वैसे सिस्टम से ही केम टू लाइक अ 2 BHK फ्लैट इन लाइक नवी मुंबई. ही बॉट हिज ओन फ्लैट विथ हिज ओन मनी. ही इज लाइक कि उतना मैंने तेरे को अभी करके दिया, मैं अभी तेरे को बेसिक दे दिया, अभी उसके ऊपर तू अपना स्काई स्क्रेपर बना ले. एंड आई समवेयर एग्री विद इट, क्योंकि हाँ करेक्ट है. लाइक अगर मुझे मेरी बेसिक चीजें नहीं मिलती, मैं ये पॉडकास्ट नहीं बना रहा होता फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मेरे पास ये सब डिवाइसेस नहीं रहते. आई वुडेंट हैव दीज रिसोर्सेज इफ इट वॉजेंट फॉर माई पेरेंट्स, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट. एंड वो अंडरमाइन करना आई फील कहीं ना कहीं छोड़ना चाहिए हमारी जनरेशन को थोड़ा, वो एक्सेप्टेंस, वो समवेयर वो लाइक कंफर्टेबलनेस विद द होल, लाइक द होल फैक्ट्स, लाइक द होल ऑफ इट. इट्स समवेयर दैट आर जनरेशन इज लाइक लर्निंग एंड शुड लर्न इन लाइक द लॉन्ग टर्म आई फील, क्योंकि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर भी आने वाली है फ्यूचर में. जो हमारे पेरेंट्स हमको इस सब के बारे में बोलते रहते हैं और तभी हम लोग लाइक ताने मार रहे हैं करके उनके ऊपर लेबल लगा देते थे, ठप्पा लगा देते थे कि लाइक ताने ही मारेंगे तो ऐसे ही बोलते हैं. बट एक फ्यूचर सेंस में अगर हमने देखा तो उनके एक्सपीरियंस से दे आर टेलिंग अस, एंड इट्स समवेयर वेरी वेरी करेक्ट एंड वेरी वेरी एप्लीकेबल टू द होल सिचुएशन दैट वी आर गोइंग टू फेस, लाइक स्टार्टिंग टू फेस अभी अभी लाइक लेट टीन्स से. हमने अभी देख, हम लोग का जनरेशन तो ऐसा है कि हम लोग को स्मार्टफोन तो इतने ज्यादा फ्लरिश हुआ है कि लाइक, मतलब मुझे तो लिटरली जब तक मैं 9th तक थी तब तक मेरे पास फोन नहीं था. मैं कुछ तो फोन का तो कभी कुछ काम भी नहीं था. 9th में भी फोन तो इस रीजन की वजह से मिला, बिकॉज देर वॉज लॉकडाउन एंड हमारा जो स्कूल एंड ऑल एवरीथिंग वॉज जस्ट ऑनलाइन. एंड हमारे पेरेंट्स के पास तो उनके टाइम में कभी फोन एंड ऑल ये सब चीजें तो थी नहीं जब वो हमारे एज के थे. तो ऐसा मतलब होता है कि अभी हमें ये सब चीजें रिसोर्सेस को इतना ज्यादा जल्दी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना, तो और उन लोगों ने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं किया, वो तो अभी भी ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरी मॉम भी अभी भी, अगर तुम मेरी मॉम को एक स्मार्टफोन दोगे, बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो मम्मी को ऐसे तो डायरेक्टली बोलोगे तो या फिर ऐसे बस दिखा दोगे कि हाँ इसमें से ये करके दिखाओ, ऑनलाइन शॉपिंग करके दिखाओ या फिर ऑनलाइन ग्रोसरी मंगा के दिखाओ, तो शी वॉन्ट बी एबल टू डू इट बिकॉज उसने कभी वो चीज एक्सपीरियंस की ही नहीं है. हम लोग को उस चीज की कभी जरूरत ऐसी पड़ी भी नहीं, बट हम लोगों ने ये सब चीजों को इतना ज्यादा जल्दी एक्सपीरियंस किया, इतना ज्यादा जल्दी फेस किया है कि हम लोग फिर ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पेरेंट्स से, उन्हें भी अपना माइंड हमारी तरफ से, हमारी सिचुएशन की तरह डेवलप करना चाहिए, जो इतना इजीली पॉसिबल नहीं है. बिकॉज पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस तुम जस्ट फॉर सम इयर्स में तुम अचानक से उस पूरे पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं कर सकते. और या ये इट विल टेक ग्रेजुअल टाइम ना, मतलब तुम या बोलोगे या अभी कर लो, एग्जैक्टली इट इज थोड़ा मतलब वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो जाता है, बट इट्स समथिंग दैट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट इन लॉन्ग टर्म. मतलब इट्स नॉट लाइक अ नेल कि मतलब अभी वॉल में लगा दिया, ठाक 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 मार दिया, हो गया. वो नेल को भी लाइक काइंड ऑफ एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखे, लाइक धीरे धीरे मारो ना बाबा, लाइक वॉल टूटेगा नहीं तुम्हारा, आराम से जाएगा वो. यू एग्जैक्टली विल बी लाइक मैं एग्जैक्टली एक अभी आया तो अभी पूरा ही लाइक मतलब मेरी मम्मा का एक कोट है लाइक आता भेटला अदरक पूर्ण ठेतुन काढ़ मानून, लाइक मतलब हाँ अदरक या पिला पूरा ही लाइक उसको कूट के निकाल जोड़ ले वो. ले या हाँ पूरा ही लाइक कूट के निकाल ले. वैसा नहीं होता, कभी कभी टाइम भी लगता है चीज़ों को, और टाइम देना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, बॉन्ड डेवलप करना, इट्स समथिंग दैट वी शुड बी लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू, रादर देन कि लाइक अभी ताना मार के झगड़ा करके थोड़ा टॉक्सिक होके नहीं चलता है वो. थोड़ा लॉन्ग टर्म में आराम आराम से समझाओ, पेरेंट्स समझ तो जाएंगे, उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होता. इट्स जस्ट दैट कि तुम कॉन्फिडेंट होके रिसर्च करके और उनको अच्छे से बिठा के समझा के लाइक तुम उनको बताओगे ना, उनको सब समझ जाता है. तो अभी हमारे लेवल के तो फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस मे बी चीज का इतनी रिलेट कर पाएंगे कि अगर तुम कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा बता रहे हो उनको जो उनके मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है कम्प्लीट. जैसे अभी हमारे जनरेशन के लिए रिलेशनशिप्स एंड ऑल इज लाइक, चलो सड़क पे चलते फिरते 10 में से 9 लोगों का तो कुछ ना कुछ रहता ही है, इट्स लाइक दैट. बट
अगर ये चीज को लेके तुम अपने पेरेंट्स के साथ कभी डिस्कस करोगे या फिर और, तो ये बात उन्हें नहीं, नहीं पटेगी उनको ये बात, बिकॉज उनके लिए क्या है कि ये सब आर ऑल जस्ट डिस्ट्रैक्शंस इन आर लाइफ, बिकॉज उन्होंने वो चीजें उन्होंने भी एक्सपीरियंस की है, एंड दे नो कि अगर ये ज्यादा लेवल तक बढ़ गया तो इसके क्या बैड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या गुड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. बट नहीं, हम लोग मानेंगे क्या? नहीं, हम लोग को तो मतलब हम लोग तो और शाणे बन गए, ऐसा होता है या भाई बहुत बहुत शाणे केसेस बन में, गए हो तो ऐसा ही होता है. एटलीस्ट लाइक शाणे बनो, देर इज नो प्रॉब्लम इन बिकमिंग शार्प एंड विटी अबाउट समथिंग, बट इट्स जस्ट दैट बी माइंडफुल एंड लाइक एक्ट अकॉर्डिंग टू अवर एज, बट नॉट इन हाउ वी परसीव इट लाइक फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, की लाइक अपने उम्र के जैसा ही, नॉट वैसे, आई एम टॉकिंग विद अ पर्सपेक्टिव की लाइक तुम्हारे अभी व्हाट्स योर एज, लाइक 17 18, लाइक यू आर इन योर लेट टीन्स नाउ, act like you are in your late teens, think like that, genuinely think like that. Like एक 18 साल का person कैसे think करेगा, चाहिए तो थोड़ा दूर का भी सोच लो, 30 साल के बंदे के जैसा सोच लो, 30 साल के बंदे के जैसा सोच लो, but माइंडफुल एंड थॉटफुल अबाउट थिंग्स, क्योंकि यू आर नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, विच इज सैड, बट या लाइक डोंट बी एकदम मच्योर इन एवरीथिंग एंड डोंट बी एकदम चाइल्डिश इन एवरीथिंग, फाइंड द राइट अमाउंट ऑफ बैलेंस एंड जस्ट बी थॉटफुल अबाउट एंड माइंडफुल अबाउट एनीथिंग दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन इट, रैदर इट बी लाइक रिलेशनशिप्स, रैदर इट बी योर एजुकेशन, रैदर इट बी लाइक एनी फॉर्म ऑफ पैशन दैट यू आर फॉलोइंग. लाइक लोगों को दारू पीने का भी पैशन रहता है भाई, पर उसमें बी माइंडफुल के लाइक वॉट इट्स गोइंग टू डू टू यू एंड लाइक इज इट समथिंग दैट्स हैविंग अ लॉन्जेविटी टू इट सेल्फ, इज इट अटैच्ड विद काइंड ऑफ लॉन्जेविटी, बी माइंडफुल अबाउट इट, बी थॉटफुल एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोज एंड कॉन्स सब सोच के जाओ, बस उतना ही, लाइक उतना ही चाहिए हमारे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं. मुझे तो पता पता नहीं क्यों, मे भी बहुत लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बट मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे बाद वाले लोगों का जो मेच्योरिटी, ये जो वर्ड है ना, इसका डेफिनेशन ही कम्प्लीटली चेंज हो गया. मतलब हमारा मेच्योरिटी एक्चुअली क्या होता है, जब तुम एक्चुअली समझ पाओ कि तुमने जो रिएक्शन दिया है या तुम्हें जो रिस्पांस मिला है, इज इट जस्टिफाइड? अगर तुम कोई रिएक्शन दे रहे हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, तुम्हें कब कैसा रिएक्ट करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब तुम्हें एकदम स्ट्रांगली बोल्डली अपने पॉइंट पे होल्ड ऑन करना चाहिए. और कभी कभी ऐसा भी होता है जिंदगी में कि यू हैव टू लेट सम पॉइंट्स गो इन ऑर्डर टू मूव ऑन. लेकिन हमारे टाइम पे इसे मेच्योरिटी बोलते हैं, बट आजकल के लोगों को बाहर देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि मेच्योरिटी क्या होती है, जब अगर तुम्हें कोई कोई चीज़ को क्वेश्चन करता है या फिर कभी तुम्हें कोई कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ बोलता है तो उसे बैक आंसर करना, उन्हें लगता है ये मेच्योरिटी होती है. उन्हें लगता है कि ऐसे आंसर करने से वो सैवेज बन जाते हैं, जबकि इट्स नॉट सैवेज, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल. उन्हें लगता है कि बस किसी ने कभी कुछ बोल दिया, हमें उन्हें बोल दिया, तो बस भाई हम तो कूल बन गए, हम तो सैवेज बन गए, अभी हम लोग मेच्योर हो गए हैं. मतलब सीरियसली, कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे थे, हमसे छोटे छोटे बच्चे ब्रो, हमसे छोटे छोटे बच्चों ने इतनी सारी चीजें एक्सपीरियंस की है जिस चीज के बारे में हम लोग अभी करंटली सोच भी नहीं सकते. और अगर तुम जिंदगी में इतने जल्दी चीजों को एक्सपीरियंस करोगे तो भाई तुम्हारा आफ्टर लाइफ क्या रहेगा? तुम लोग ऐसे बस बैठे बैठे बस बोर हो जाओगे जिंदगी में. अभी कोई टाइमलाइन ही नहीं बचा है किसी को कुछ भी एक्सपीरियंस करने के लिए. जैसे तूने अभी बोला कि अगर किसी को पीनी भी है तो भाई माइंडफुल्ली पियो, ऐसा नहीं रहा है अभी. हम लोग को लगता है नहीं, अभी हम लोग बड़े हो गए तो वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट. अपनी उम्र को लाइक शोभा दे, ऐसा एक्ट भी करने लग जाओ, लाइक या दैट तुम विल बी मच मोर 18 साल के होके 25 साल की लड़का लड़की की तरह नहीं बिहेव कर सकते होने के समथिंग लिए. इज समवेयर पॉजिटिव, देन यू कैन एक्ट लाइक थोड़ा या सा बड़ा इन बड़े सेंस, बट ऑलवेज नो व्हाट यू हैव, व्हाट यू आर एंड व्हाट विल यू स्टैंड फॉर एंड व्हाट विल हैपन इफ यू डू सम काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि लाइक मतलब जैसे उन्होंने बोला लाइक काइंड ऑफ कुछ कुछ चीजें की लाइक एक एज रहती है एक्सपीरियंस करने की, एंड आई एम नॉट टेलिंग कि अगर तुमने जल्दी किया या फिर लेट किया किसी चीज को इट्स बैड और गुड, इट्स जस्ट दैट कि तुम अगर माइंडफुल हो एंड यू जेन्युइनली आर लाइक टेकिंग थिंग्स सेफ, यू आर टेकिंग थिंग्स एक एक करके, यू आर नॉट गेटिंग हेस्टी विथ इट, यू आर जेन्युइनली लाइक मतलब सोच समझ के कुछ, यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड दैट यू डिड इट एंड लाइक यू गॉट द एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट, बट अगर तुम लाइक एकदम हेस्टी होके, डेस्परेट होके, या फिर लाइक मतलब जस्ट मेरे को ये करना है मतलब करना है, ऐसे अगर मूड से जा रहे हो विदाउट बीइंग माइंडफुल, भाई ना, लाइक दैट समवेयर अ टर्न ऑफ फॉर योर होल लाइफ आई फील, मतलब इट विल बी समवेयर लाइक
मतलब ये थोड़ा खटकेगा लोगों को सुनने में, बट ये कड़वा सच है कि लाइक इफ यू आर नॉट माइंडफुल अबाउट एनीथिंग, इट कैन समवेयर बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म. या बिकॉज भाई आफ्टर ऑल हमें जिंदगी भी तो काटनी है. फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया में एवरेज एज देखा जाए तो इट इज 60 to 65 के आसपास इज द मैक्सिमम एवरेज लाइफ स्पैन. भाई तो तुम्हें वो 65 ईयर्स निकालने भी तो है. अगर तो पूरे 65 ईयर्स को तुम जियो ना, जिस टाइम पे तुम्हें जो दिया है तब एक्सपीरियंस करोगे, तभी तो वो लाइफ टाइम कटेगा. अगर तुम अभी 18 साल की उम्र में ही सब कुछ एक्सपीरियंस कर लोगे तो बाकी के आगे के साल में क्या करोगे भाई तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे हाथ धो के बैठे रहोगे. विच इज लाइक इट्स इन अ वे अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन. लाइक बिकॉज अगर तुम्हारे पास करने के लिए कभी कुछ नहीं रहता है, यू हैव मेंटली यू नो थॉट्स एंड सब चीज़ों से तुम्हारा यू नो कि ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है. एंड वंस दैट स्टार्ट्स इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट. व्हाट्स यू से अबाउट लाइक मतलब टीनेजर्स नाउडेज, मतलब आगे अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स, लाइक व्हाट्स यू से अबाउट दैट, अबाउट टीनेजर्स एज अ टॉपिक, लाइक क्योंकि हम भी खुद टीनेजर्स है, वी आर गेटिंग इनटू आवर लेट टीन्स. भाई आज मेरा बर्थडे है ऊपर से, आई एम ऑफिशियली आई हैव एंटर्ड माई लेट टीन्स, एंड लाइक व्हाट्स यू से अबाउट दैट, लाइक बीइंग अ टीनेजर इन इंडिया, being a teenager in this world, in a society like this, what's your say about it? What are the different perspectives जो तुझे showcase करने के लिए, तुझे highlight करने में you'll be happy? अभी तो करंटली ऐसे लगता है कि टीनेज जो एक लाइफ हम लोग इमेजिन करते हैं, लाइक जैसे हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा है, मूवीज में देखा है, वैसा अभी कुछ रहा ही नहीं है. मुझे तो ऐसे लगता है बिकॉज टीनेज में ऐसा बोला जाता है कि टीन लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव लाइफ, प्रोडक्टिव फेज ऑफ आर लाइफ. बिकॉज ये हमारा ग्रोथ का टाइम होता है, तो हम लोग जिस तरह से अपने आप को शेप करेंगे, वी ग्रो इन टू दैट टाइप ऑफ अ पर्सन. बट अभी इट्स लाइक कि लोगों का यू नो नज़रिया इतना चेंज हो गया है, सभी बच्चों का भी. आई विल रेफर टू देम एज बच्चे ओनली. मैं भी बच्ची हूँ बाय द वे, तो मैं ज़्यादा शानी बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ. सो आई जस्ट रेफर टू देम एज स्टिल बच्चेज. तो ये जो बच्चूज होते हैं तो इन लोग का पर्सपेक्टिव इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि इन लोग को इट्स लाइक इन्हें बाकी चीज़ कोई भी चीज़ से मतलब नहीं है. दे जस्ट वॉन्ट टू डू वॉट एल्डर्स डू. एल्डर्स व्हाट आई बेसिकली मीन बाय इज जो चीज़ें हम लोग देख के हमें वो चीज़ें कूल लगती है. और ये सब चीज़ों का सोर्स क्या होता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मूवीज, बाकी फिर तुम सेलिब्रिटीज को देख लो. कोई के लोग होते भी है जिन्हें यू नो ये ऐसी टाइप की जिंदगी जीने में बहुत मज़ा आता है. बट भाई इस चीज़ को भी दिमाग में रखना चाहिए कि एट वॉट पॉइंट ऑफ देयर लाइफ आर दे लिविंग अ लाइफ लाइक दैट. तुम ऐसे नहीं देखोगे कि अभी 18 साल का बच्चा यू नो ऐसे चलता जा रहा है एंड एवरी वन इज होल्डिंग कैमराज एंड एवरी वन इज यू नो फ्लैशिंग लाइट्स ऑन देयर फेसेस. ये स्पॉटलाइट वाली जिंदगी जो बोलते हैं ना, अभी के टीन बच्चों को सभी को ये चाहिए कि हम लोग को बस कूल बन के रहना है एंड पीपल शुड लुक एट अस एंड दे शुड जस्ट लाइक यू नो सपोर्ट अस. कि ओ भाई ऐसा बोलना चाहिए कि अरे भाई ये बंदी तो कितने कूल है, ये बंदा तो कितना कूल है, इसकी लाइफ तो सेट है, उसकी लाइफ तो सेट है, ऐसा. बट प्रोडक्टिव वे ऑफ लाइफ ऐसा टीनेजर सोचते ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है. और इसी रीजन की वजह से तो अभी देख तू, अभी हमसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका वे ऑफ बिहेवियर, उनके इसमें रिस्पेक्ट, ये नाम मतलब इसका नाम वो निशान कहीं दिखता ही नहीं है. हमारे टाइम पे अगर हमारे सामने कोई एल्डर आके खड़ा रहे भाई, ऑटोमेटिकली हमारा हाथ पीछे जाता है हमारे, बिकॉज हम लोग बचपन से इस चीज़ को फॉलो करते आए हैं. बट अभी सोसाइटी इतनी ओपन हो गई है, सब चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज किया है कि तुम्हारे सामने अगर कोई एक रिस्पेक्टेड पर्सन भी खड़ा रहे ना, तो भी तुम्हारे सामने वो लोग ऐसे बात करेंगे ऐसे वो गप्पे लगा रहे हैं तुमसे. तो दे डोंट हैव दैट थिंग, लाइक उनके जो एथिक्स और मॉरल्स होते हैं ये चीज़ों के बारे में उनको लाइक कोई लेना देना ही नहीं है. और उनको कभी किसी ने फोर्स नहीं बोल सकते, बट उनको कभी किसी ने उस चीज़ को रियलाइज भी नहीं करवाई. आई तो रियली ट्राई कि अगर मुझे कभी दिखता है कि यू नो समवन इज डिसरिस्पेक्टिंग समवन या फिर कभी कुछ गलत हो रहा है, तो आई डू ट्राई टू टेक अ स्टैंड ऑन इट. बट अभी के जनरेशन में या फिर अभी के टीनेजर्स में वो बात है ही नहीं कि ओके इट इज़ आ फॉल्ट, इट मे बी आ फॉल्ट एंड वी शुड ट्राई टू एक्सेप्ट इट. कुछ भी हो जाए दे जस्ट वॉन्ट कि वी शुडेंट बी ब्लेम फॉर इट. तो वो एक्सेप्टेंस वाला जो एक चीज़ है, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, ये दो चीज़ें जो है ना वो आज के टीनेजर्स में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता. और यही चीज़ का सोच सोच के कभी डर लगता है कि ऐसे ही टाइप के टीनेजर्स आगे जाके दे आर गोना यू नो होल्ड आर कंट्री एंड दे आर गोना होल्ड ऑन टू द अर्थ. जो जिंदगी है इसके लिए ये लोग होल्ड ऑन करने वाले हैं, एंड अगर इनके पास ये बेसिक एथिक्स और मॉरल्स नहीं होंगे तो हाउ विल द सोसाइटी शेप, हाउ विल द पीपल शेप.
इस चीज का बहुत डर लगता है कभी कभी, एक्चुअली देखा जाए तो. या एंड ऑल्सो लाइक दिस नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू बिकम पेरेंट्स टू इट, सो लाइक उसके बाद वाली जनरेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक समवेयर एक क्वेश्चन मार्क रहता है. सो लाइक दैट्स वन थिंग वी कैन से. एंड ऑल्सो टीनेजर्स में हार्ड वर्क एक्सपीरियंस का नहीं पड़े हम लोग को. लाइक द टीनेजर्स नाउ डेज आर लाइक मैं लाइक इंटी लूंगा, मैं ये डिग्री ले लूंगा, वो करूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, इतना मेरा नेटवर्थ रहेगा, आई एल पार्टी, आई एल गो टू दिस, आई एल गो टू दैट. ओके करेक्ट फ्रॉम योर पार्ट, बट वॉट आउट ऑफ इट कि कल से तू पार्टी नहीं करेगा, कल से तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू पार्टी कर सकता है, कल से तेरे पास वो जॉब नहीं है जो तुझे चाहिए, कल से तेरे पास वो जो तू डिग्री लेने वाला था वो कॉलेज बंद हो गया, वो डिग्री लेना ही बंद हो गया है, क्या करने वाला है ब्रो तू? दैट्स वेयर द क्वेश्चन ऑफ लाइक काइंड ऑफ वॉट आर यू गोइंग टू एग्जैक्टली इज द नेक्स्ट. डेफिनेशन ऑफ अ लाइफ या वही यू स्टैंड्स अप. वही एंड ऑल्सो लाइक टीनेजर्स लाइक वी आर नॉट दैट मच रेडी, वी आर थोड़ा लेजी नाउ डेज, वी आर एक्सप्लॉयटिंग समवेयर द रिसोर्स दैट वी हैव इन अ वे. इसके लिए भी एक्चुअली यू नो सम और दी अदर वे, लाइक यू नो इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. सिमिलरली ये जो अभी हमारा करंट बिहेवियर है, मुझे भी ऐसे कभी कभी लगता है कि इस चीज़ों के लिए भी, जैसे हम लोगों ने जो प्रीवियस टॉपिक हमारे थे, लाइक हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया, या फिर द फैक्ट कि हमें सब रिसोर्सेज इतने इजीली मिल गए कि हमें उसका इम्पोर्टेंस कभी पता नहीं चला, यू नो उसकी वैल्यू कभी, उसका एब्सेंस उस चीज़ को पता नहीं चला. तो ये दो तीन फैक्टर्स भी कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि, तो हम लोग सिर्फ बच्चों को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हारी वजह से बस ऐसे हुआ है. बट कंपेरेटिवली फिर भी बच्चों के अंदर भी इतना अभी यू नो काइंड ऑफ सेंस नहीं रहा है ये समझने के लिए कि क्या चीज़ें सही होती है और क्या गलत होती है. या बट ऑल्सो नॉट काइंड ऑफ जनरलाइजिंग इट टू द होल ट्राइब, क्योंकि इसमें भी थोड़े रहेंगे अलग अलग या डिफरेंट एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली ऑफ लोग जो डिमोटिवेट नहीं होनी चाहिए जेन्युइनली, या लाइक हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो ट्रेंड में नहीं है. नहीं, यू आर डूइंग इट करेक्ट, नो प्रॉब्लम विद दैट. एंड ऑल्सो वन जैसे तुमने बोला लाइक एक सर्टन लेवल ऑफ प्रेशर रहता है, वो प्रेशर लाइक वी आर नॉट एबल टू सेंस इट फॉर मेजोरिटी ऑफ आर टाइम्स इन आजकल के टीनेजर्स, बट जब भी लाइक वो फ्यूचर में प्रेशर आएगा व्हाट आर वी गोइंग टू डू देन, लाइक एकदम धार से आएगा वो एंड इट विल बी टू मच सडन, एंड तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फुल चेन्स विल बी ऑल्सो एंटेंगल्ड विथ अस, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू देन? ये प्रेशर वर्ड है ना, इस वर्ड को रिलेटेड सबसे मेन बात जो मुझे आजकल का सबसे बड़ा धक्का लगा था ना, वो ये था कि जब हमारा एजुकेशन पॉलिसी आया कि 10th वाले बच्चों से बोर्ड्स निकल जाएगा, एंड द बोर्ड्स दैट दे हैव टू फेस इज ओनली इन 12th. ब्रो लाइक सीरियसली दिस इज सच अ बिग, मतलब प्रेशर से ये इतना ज़्यादा रिलेटेड है कि 12th में एक तो ऐसा होता है कि हमारा सिलेबस ऑलरेडी, इट्स लाइक हमारा करियर सेट करने का स्टडीज होता है वो, और उस टाइम पे हम लोग को ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल ये चीज़ों को ऑलरेडी इतना प्रेशर रहता है. अभी हम लोग तो फिर भी वो वाला बैच है जिसने 10th में बोर्ड्स दिया है, तो वी नो वॉट काइंड ऑफ प्रेशर वी हैव टू फेस वेन वी आर यू नो गोइंग थ्रू द स्टडीज ऑफ द फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. बट अगर 10th वाले बच्चों को कभी पता ही नहीं चला कि बोर्ड्स क्या होते हैं, उसका कितना प्रेशर रहता है, हमारा आजू बाजू का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो अगर 12th में सडनली उन लोग को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के साथ ही साथ ये बोर्ड्स का प्रेशर इतना ज़्यादा थमा दिया, तो इट्स लाइक इट्स सच अ बर्डन फॉर देम. हाउ विल दे ओवरकम इट? वी कैन या लाइक ट्राई टू मतलब अंडरस्टैंड दैट. बोर्ड्स को थोड़ा पहले लेना चाहिए. आई पर्सनली फील कि लाइक बोर्ड्स इफ वी लाइक टेक इट अर्ली इन आर लाइफ ना, हमको एक तो मतलब क्या बोलते हैं लाइक एक लेवल ऑफ लाइक रिविजन जैसा हो जाता है कि लाइक ओके मतलब वी गेट यू गेट टू एक्लमेटाइज विद, एक्सपीरियंस. हाँ या वी गेट टू नो व्हाट्स द ऑप्टिमम आर्क ऑफ प्रेशर दैट वी कैन लाइक गिव आर बेस्ट पोटेंशियल इन समवेयर. अगर वो थोड़ा जल्दी लाइक आई विल से लाइक 8th या फिर 9th में इफ यू गिव बोर्ड्स एंड देन इन 11th देन वी आर जेन्युइनली लाइक क्लियर फॉर लाइक 12th में जेन्युइनली प्रेशर नहीं रहना चाहिए आई फील ऑन स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे तूने बोला उसके बाद मैक्सिमम पीपल गिव सम काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एंड उसके पहले अगर तुम उस पर भाई लाइक पूरा उसको मतलब वो 4 साल वो पर्सन पे क्या बीते ही लाइक इट्स इट्स नॉट आई एम नॉट इक्वेटिंग इट विथ लाइक सम काइंड ऑफ फिजिकल पेन और लाइक मतलब इसके जैसा कोई दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं. आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम अ प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव. पुट योर सेल्फ इन अ सिचुएशन वेर यू आर टोल्ड टू लर्न 7 सब्जेक्ट, सबके अलग अलग टॉपिक्स, एंड देन यू आर टोल्ड टू राइट एन एग्जाम अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न जो डेफिनेटली बदलता रहता है,
क्वेश्चंस बदलते रहते हैं, ऐसा बदलता रहता है। फिर वो जो तुम अभी पढ़ रहे हो उसमें भी तुमको तीन अलग पर्सपेक्टिव रहेंगे, एक कोचिंग क्लास का रहेगा, एक खुद तुम्हारा रहेगा और एक स्कूल का रहेगा। वो पर्सपेक्टिव्स को फाइट करो, देन उसके बाद लाइक ये सब करने के बाद भी यू आर लाइक ओ नहीं, इसके बाद अभी मेरे को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है जो एक्चुअल में मेरे को फायदा है जिसमें से, एंड लाइक मुझे मतलब दोनों जगह पे मेरे परसेंटेज अच्छे आने चाहिए। फिर लाइक इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ थिंग्स दैट विल गेट टू मच स्ट्रेच्ड आई फील समवेयर, वो रबर बैंड इफेक्ट हो जाएगा, एंड लाइक वो जब छूटेगा ना देन इट विल बी लाइक इट विल नॉट बी बैड बट इट विल जस्ट बी टू मच एक्सप्लोसिव टू हैंडल इन अ वे। एक्चुअली मैंने जो एक वर्ड यूज किया था कि दी स्पॉटलाइट लाइफ, ये एक्चुअली इसका सबसे बड़ा हमारे जिंदगी में ये आने का सोर्स क्या है, यही सब तो है। बिकॉज कंपैरेटिवली अभी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बॉलीवुड भी देखें तो बॉलीवुड की इतनी सारी मूवीज का जो थीम होता है कि जो मूवीज होते हैं या फिर बेसिकली हम लोग जो भी चीज़ें देखते हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग उसको किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उनके लिए तो वो एक बिजनेस ही है, ये सबका सोर्स ही तो यही सब OTT प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, ये चीज़ों पे सब चीज़ों को इतना जनरलाइज इतना नॉर्मलाइज किया है कि हमारे दिमाग में भी वो इतना ईजिली बैठ गया है कि हमें लगता है कि अरे ये तो क्या, यही तो ज़िंदगी है। तो हम लोग वो चीज़ों को अपने लाइफ में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम लोग उसको अप्लाई करने लग जाते हैं। और ये एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में ही धीरे 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 हम लोग जो एक्चुअली अपना कल्चर है, जो एक्चुअली अपने थॉट्स है, जो एक्चुअली अपने एथिक्स है, वो चीज़ों को कभी कभी ऐसे पीछे छोड़ देते हैं एंड वी जस्ट निग्लेक्ट दोज, वी डोंट पे अटेंशन टू दोज एट ऑल। कुछ कुछ चीज़ें जो छोड़नी चाहिए अगर वो छोड़ रहे हैं हम, जेन्युइनली वेरी वेरी गुड दैट वी आर डूइंग दैट। स्टीरियोटाइप्स फॉर एग्जाम्पल, हाँ वही लाइक स्टीरियोटाइप्स हो गया, लाइक नॉट बीइंग सो कंफर्टेबल अबाउट टॉपिक्स जैसे तूने बताया लाइक रिलेशनशिप्स लव वगैरह, जो मतलब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी दे आर लाइक नॉट दैट मच कंफर्टेबल विद द टॉपिक, बट नाउ दैट वी हैव सो मच एक्सपोजर टू इट, नाउ दैट टीनेजर्स आर इन्वेस्टिंग इन ट्रू, रिलेशनशिप्स, दे आर गेटिंग इन टू रिलेशनशिप्स, गेटिंग आउट ऑफ रिलेशनशिप्स, लर्निंग अ थिंग और टू, गेटिंग देयर हार्ट ब्रोकन, वापस से दिल जुड़ता है, वापस प्यार होता है, सब 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 उल्टा पुल्टा सब, वी आर एट अ ईज विथ इट, वी नो हाउ टू डील विथ इट, एंड ऑल्सो लाइक द इफेक्ट ऑफ इट, लाइक मतलब द एनोनिमिटी द मिस्ट्री ऑफ इट, इट्स नॉट देयर, सो वी आर नॉट लाइक स्केर्ड विथ इट, वी आर मच मोर ओपन विथ इट, एंड वी आर लाइक ओके लेट्स ट्राई इट, बुरा से बुरा क्या होगा, लाइक वी नो वॉट इज हैपनिंग, वी आर थोड़ा माइंडफुल अबाउट इट रादर देन लाइक एकदम ही छोड़ के चले, बट वी आर ऑल्सो लाइक गोइंग थोड़ा रॉन्ग, लाइक द रीजनैलिटी द कल्चर दैट वी हैव इट्स समवेयर गेटिंग लॉस्ट, विच इज आई डोंट थिंक इट्स एंटायरली रॉन्ग बट आई डोंट थिंक इट्स एंटायरली करेक्ट ऑल्सो, बिकॉज एक जो सेंस ऑफ बींग इंडियन है या फिर अ सेंस ऑफ बींग वॉट एवर यू बी फ्रॉम एनी रीजनैलिटी, लाइक महाराष्ट्रन हो गया, राजस्थानी हो गया, गुजराती हो गया, बंगाली हो गया, लाइक ओडिसी लाइक ओडिसी हो गया, लाइक साउथ इंडियन हो गया, लाइक कर्नाटक के हो गए, अगर अगर तुम कहीं से भी हो देर इज अ सेंस ऑफ रीजनैलिटी, देर इज अ सेंस ऑफ लाइक जो फैमिली वैल्यूज रहती है तुम्हारी, जो तुम्हारे क्या बोलते हैं लाइक रूट्स से आती है, तुम्हारी जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती है, वो थोड़ी नॉन इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है क्योंकि वी आर सो मच लाइक इन्फ्लुएंस एंड सो मच शोकेस्ड विथ लाइक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, इट्स लाइक अ पावर प्ले मूव बट ऑल्सो इट्स लाइक की काइंड ऑफ इट्स बेनिफिटिंग अस बट वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट इट, वही लाइक माइंडफुल होने का ही है, लाइक जो अच्छा है वो कहीं से भी ले लो पर लाइक खुद की इंडिविजुअलिटी है उसको मत भूल जाओ, दैट्स वन थिंग आई फील वी शुड हाईलाइट इन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। इट्स ट्रू। अभी हम लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइक पीपल दोज हु विल बी लिसनिंग दे शुडंट गेट दिस रॉन्ग आइडिया दैट वी आर जस्ट ब्लेमिंग द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस फॉर दैट। द कंपैरेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, द पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट इज कंपैरेटिवली वेरी हाई कंपेयर टू द पॉजिटिव इफेक्ट। तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि ये सब इतनी नॉलेजेबल चीज़ें भी है, बट उसका कंपैरेटिव नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। What's your say about like the geopolitical perspective of like Western influence? मतलब kind of it's somewhere like जैसे मैंने बताया like it's a power play kind of like you influence them and then somewhere like they are fascinated by you so they'll join you leaving their individuality like eventually after some years kills the individuality and everything is according to what you wanted it to be from your perspective. Like मतलब एक Western perspective देना है तो जैसे capitalism हो गया इट्स अ वेरी वेस्टर्न ड्रिवन पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव वैसे कुछ है नहीं, इंडियन पर्सपेक्टिव इज जस्ट कलेक्टिव
क्रिएटिव एंड लाइक जेन्युइनली इन्वेस्टिंग इन समथिंग फाइनेंशियली, बिकॉज लाइक देयर इज अ एंटरप्राइज दैट यू कैन फाइंड आउट ऑफ इट, लाइक दैट्स अ इंडियन पर्सपेक्टिव. बट वेस्टर्न इज लाइक काइंड ऑफ, इसमें से पैसे है, इसमें से प्रॉफिट है, इसमें से मेरे को लाइक फॉर 20 ईयर्स आई हैव दिस गेम, आई विल अर्न दिस दिस मनी, आई विल री इन्वेस्ट इट, मैं फिर उसमें से उतने पैसे. इट्स अ वेरी फाइनेंस, अ वेरी कैपिटल ओरिएंटेड, कैपिटल पर्सपेक्टिव से, कैपिटलिस्टिक जैसे हम कहते हैं, कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा, अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव. व्हाट्स योर से ऑन दैट, लाइक अ जियो पॉलिटिकल थिंग? ये मतलब मुझे लगता है कि हमें खुद अभी हम लोग तो इस चीज़ को नहीं रोक सकते कि अगर वेस्टर्न लोगों का हम लोग इतना सब चीज़ें देख रहे हैं तो हम लोग टीवी वालों को जाके सीधा मोर्चा नहीं निकाल सकते कि नहीं अभी तुम हम लोग को वेस्टर्न मूवीज दिखाओ ही मत, अभी तो तुम हम लोग को ये कराओ मत, वो मत करो। बट हम लोग क्या स्टैंड ले सकते हैं कि हम लोग खुद उस चीज़ को काइंड ऑफ थोड़ा सा समझने का नजरिया बदल सकते हैं, हम लोग को कब कौन सी चीज़ के लिए किस तरह से कौन कौन से पॉइंट्स पिकअप करने चाहिए, ये मेन बात है। वो एक चीज, दैट वन थिंग इज नॉट एवरीथिंग. लाइक डोंट बी दैट फ्रॉग इन द वेल, लाइक रादर बी दैट फ्रॉग इन द ओशन विच इज वास्ट. क्योंकि तुम हर चीज को हर पर्सपेक्टिव से देख पाओगे, समझ पाओगे, सोच पाओगे, बता पाओगे, और लाइक पुट फॉरवर्ड कर पाओगे, लाइक बी अ पॉलीमैथ. दैट्स दैट्स वन थिंग इन एनी सोशल सिचुएशन. इफ यू आर अ पॉलीमैथ, इफ यू नो अबाउट लाइक लेट्स से 15 डिफरेंट टॉपिक्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यू विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग टू टॉक टू रादर देन जस्ट दैट वन पर्सन जो एक ही ओपिनियन लेके एक ही चीज को घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के, लाइक मराठी में है ना, लाइक झिझाऊन टाक तो अर्षा तेला, लाइक तो म्हणजे उसको लाइक पूरा घिस घिस के उसका मतलब ही निकाल देगा. ऐसा पर्सन नहीं चाहिए, रादर यू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो लाइक अ लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस कि किसी और का भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रह सकता है. लाइक एक क्रिटिसिज्म वाला भी लाइक एक टॉक रहता है कि लाइक मतलब ही हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सो आई हेट हिम. जस्ट बिकॉज ही हैज अ डिफरेंट ओपिनियन यू कैन नॉट हेट हिम ना, क्योंकि वो उसके ओपिनियन में समथिंग पॉजिटिव भी रह सकता है, समथिंग नेगेटिव भी रह सकता है. एंड इफ देर इज समथिंग पॉजिटिव, प्लीज पिक ऑन इट ना, क्योंकि वो तेरे को ही हेल्प करने वाला है, तुझे ही हेल्प करने वाला है, तुम्हें ही हेल्प करने वाला है वो फ्यूचर में, टू इम्प्रूव ऑन पॉलिसीज, टू इम्प्रूव ऑन योर जेन्यून लाइक जो फंक्शनिंग है तुम्हारी, जो डेली फंक्शनिंग है, बेसिक फंक्शनिंग है, उसको तुम ज्यादा एफिशिएंट बना पाओगे, उसको तुम ज्यादा सस्टेनेबल बना पाओगे, इम्प्रूव कर पाओगे, मॉडर्नाइज कर पाओगे. एंड ऑल्सो अगर कुछ नेगेटिव है उसको एक लेवल रहता है कि तुम उसको अंडरस्टैंडेबल करके, उसको हम्बल करके, काम शांति से सेंसिटिवली किसी पर्सन को कन्वे करते हो, रादर देन लाइक एकदम ही मतलब हाईलाइट करके, रंग रंगौटी करके, एकदम ऐसा बूम करके. रोहित शेट्टी का स्टंट नहीं बनाना है अपने को, सादा गाड़ी भी चलाना आना चाहिए. लाइक रोहित शेट्टी का स्टंट इज नॉट बुरा, बट इट्स जस्ट कि लाइक एक लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म हैंडल भी करना आना चाहिए और देना भी आना चाहिए. एंड ऑल्सो वी शुडेंट हेट द एंटायरिटी ऑफ इट, वी शुड लाइक हेट इन जनरल शुडेंट बी हेट वाला हेट, बट इट शुड बी समथिंग लाइक अ वेरी पॉजिटिवली गिवन, पॉजिटिवली कन्वेड फीडबैक एंड समथिंग विच कैन बी लाइक जेन्युइनली आउट ऑफ केयर एंड कम्फर्ट. लाइक तुम किसी को बता दोगे लाइक हाँ मतलब जैसे मतलब कोई फ्रेंड है, ओके ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स, ही और शी इज गोइंग डाउन इन समथिंग एंड वो जेन्युइनली अच्छा नहीं है, तो तुम कैसे उनको जाके शांति से बताते हो कि लाइक ये ऐसी बात है, यू आर गोइंग रॉन्ग इन इट, यू कैन इम्प्रूव अपॉन इट, ऐसे इफ यू फील दैट दिस इज करेक्ट, वाई डू यू फील सो इट्स करेक्ट. बैठ के चर्चा करो रादर देन आर्ग्यूमेंट करो, जस्ट एग्री ऑन थिंग्स एंड डिसअग्री ऑन थिंग्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स एंड अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन, अदर पार्टी हैज टू से ऑल्सो, एंड पुट योर पॉइंट्स ऑल्सो विद दैट मच कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ देम. एक्चुअली इट्स वेरी ट्रू। तो अभी एक और चीज ये बहुत है जो हमारी जनरेशन तो अभी करंटली नहीं, बट बड़े बड़े लोगों के बीच में इस चीज को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इट इज व्हाट इक्वालिटी। तो ये इक्वालिटी वाला जो कंसेप्ट है अभी करंट जो उसका पर्सपेक्टिव है, ये हमारे एक बेसिक इंडियन हाउसहोल्ड में कभी था ही नहीं। हमारा बेसिक इंडियन हाउसहोल्ड का स्टीरियोटाइप क्या था, द मदर इज सपोज टू फीड द चिल्ड्रेन एंड टेक केयर ऑफ देम एंड द फादर इज द वन हु इज वर्किंग, बट अभी ऐसा नहीं रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ भी बहुत बहुत लोगों के लिए ये क्या बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्टिंग भी हो सकता है। बट अभी जो हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये इक्वालिटी का जो मतलब है यही चेंज हो जाता है। अभी इक्वालिटी का इट्स लाइक कि अगर मैं कोई चीज कर रही हूँ या फिर तुम कोई चीज कर रहे हो तो मैं भी वो चीज करनी चाहिए, या फिर अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो तुम्हें भी वो करना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक, आई वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई फील कि मेरा इक्वालिटी को लेके पॉइंट ऑफ व्यू इतना अलग है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि लोग कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं पाएंगे।
और ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टिव हो जाता है. तो इसलिए मुझे आई वॉन्ट टू नो कि वॉट डू यू थिंक अबाउट द इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन स्पेसिफिकली. ओके अनकंफर्टेबलनेस दैट वी हैव टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिटवीन लाइक टू इंडिविजुअल्स बिटवीन जेंडर्स, आई फील पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन्ड है एंड इट्स समवेयर लाइक डेटेड टू वॉट वी हैव करेंटली, लाइक द पर्सपेक्टिव दैट वी हैव, द होल सिचुएशन दैट वी आर लाइक ट्राइंग टू सॉर्ट, इट्स विद अ पर्सपेक्टिव जो 70 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, एंड वी हैव प्रॉब्लम्स दैट आर राइट नाउ, अभी लाइक इसी वक्त जो प्रॉब्लम्स चल रही है वी आर हैंडलिंग इट विथ लाइक ओल्ड पर्सपेक्टिव. इट्स लाइक कि लाइक रिसेंट कोई गाड़ी है जिसको मैं बोलूंगा कि लाइक नहीं, मेरे को वो 1910 में टायर मिलता था ना, वो गाड़ी को लगा दो और गाड़ी चलेगी. फिर उसकी वजह से एक लेवल ऑफ इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से एक लेवल ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, अ सेंस ऑफ डोमिनेशन, सब सब वो वही डोमिनो इफेक्ट जैसे बोला मैंने. इट्स लाइक अ होल चेन ऑफ रिएक्शन दैट गेट्स लाइक स्ट्राइक डाउन बिकॉज ऑफ दैट. एंड पर्सनली आई फील इक्वालिटी इज समथिंग दैट्स लाइक कि इट शुडंट बी फोर्स्ड अपॉन, लाइक बींग इक्वल इज नॉट बींग फोर्स्ड अपॉन इन समथिंग, बींग हैविंग द राइट टू पुट फॉरवर्ड योर पर्सपेक्टिव, योर टॉक, योर फैक्ट्स, योर वे दैट यू थिंक इट टू बी, योर हाउ यू हैव कम आउट फ्रॉम समथिंग, हाउ यू फील अबाउट समथिंग, देर शुड बी समवेयर ओपिनियन. एंड ऑल्सो अबाउट लाइक मैन एंड वुमेन स्पेसिफिकली, आई फील देर इजेंट एनी सॉर्ट ऑफ रोल नाउअडेज दैट वन हैज़ टू स्पेसिफिकली फॉलो बींग अ वुमन और बींग अ मैन. इट्स जस्ट दैट देर शुड बी अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल ऑफ अस, एंड जो जो भी कर रहा है उसको लाइक हर दिल अपने तरह से धड़कता है, हर दिल अपनी तरह से धड़कने दो, वही इट्स लाइक दैट. एंड ऑल्सो वाइल्ड अपने तरह से दिल धड़क रहा है, फाइंड द लेवल ऑफ एडजस्टमेंट, एडवांसमेंट एंड द होल फ्लेक्सीबिलिटी होते वक्त भी वी आर लाइक कनेक्टेड एंड लाइक वी नो एंड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट्स हैपनिंग विद द अदर पर्सन ऑल्सो. आई फील लाइक दैट्स वन थिंग दैट वी शुड लाइक हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट अपॉन. आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट. बट एक चीज़ है जो मुझे अभी करेंटली ऐसे लगती है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, और ये बात मेरे दिमाग में इतनी क्यों आती है, बिकॉज इसका सबसे बड़ा सोर्स है सोशल मीडिया. लाइक सोशल मीडिया पे तुम अगर कभी कोई, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख रहे हो, तो अनकॉन्शियसली हम लोग एक रील, एक या दो रील्स के बाद उसके कमेंट सेक्शन पे जाते हैं. और उसके कमेंट सेक्शन में जाने पे यू नो देर इज दिस वेरी फेमस सिंबल कि वुमेन एंड अ कप का, यू नो, चाय का वाला सिंबल, और इट्स मैन एंड कप का चाय का सिंबल. तो इसका मतलब, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इक्वालिटी मतलब लोगों को, यू नो, इट्स लाइक कि अगर मैं कोई चीज कर रही हूँ तो तुम्हें भी वो चीज करनी चाहिए. तो डजेंट मैटर वेदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग या फिर तुम कुछ काम कर रहे हो इस चीज के बारे में. लाइक अगर इक्वालिटी अगर तुम मांग रहे हो, तो भाई अगर फॉर एग्जाम्पल एक घर में बोथ द मैन एंड वुमेन बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, यू स्टिल कांट जस्ट एक्सेप्ट, यू स्टिल शुडन्ट जस्ट एक्सपेक्ट कि जो घर की जो वुमेन है शी शुड ओनली डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स एंड यू नो लाइक टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन ऑल. देर शुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट इवन द मेन शुड बी, यू नो, लाइक बी सपोर्टिव फॉर दैट. इट्स मोर ऑफ द ईगो ऑफ द पीपल कि नहीं, मेरा ऐसा काम है. अगर मैं एक, मतलब अगर मैं एक मैन हूँ तो मेरा सिर्फ बाहर का काम है. अगर बट और ये चीज वुमेन्स को नहीं पसंद, बिकॉज आफ्टर ऑल जो अभी तो ये ऐसा ही है कि जो काम करता है ना, लोग सब लोग उसी से काम निकालते हैं. दैट इज व्हाट द फंडा इज. और यही चीज जो होती है ये कॉन्फ्लिक्ट में जाके आगे ये हो जाती है. और इसीलिए अगर हम लोग कभी किसी चीज के लिए स्टैंड लेने जाएंगे ना, तो देर में लाइक हाँ ये तो क्या, ये तो ऐसी है, ये चीज हैविंग अ डिफरेंट माइंड ऑफ, चीज हैविंग डिफरेंट, यू नो, पॉइंट ऑफ व्यू, और शी इज हैविंग डिफरेंट थॉट, सो इट डजेंट मैटर एंड वी शुडेंट पे अटेंशन टू इट. ऐसा होना चाहिए रादर देन, यू नो, अंडरस्टैंडिंग. अभी एनाटॉमी के बेसिस पे भी कितने लोग ये करते हैं. लाइक मैंने कल ही देखा फॉर एग्जाम्पल कि कमेंट सेक्शन में, यू नो, लिटरली झगड़ा चल रहा था कि यू नो हु कैन बेयर द मैक्सिमम पेन. तो इट्स अ वेरी फेमस थिंग कि यू नो वुमेन्स, मतलब ऐसा बोला जाता है कि व्हेन अ वुमेन गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड शी फेसेस द मैक्सिमम पेन दैट अ पर्सन कैन एवर एक्सपीरियंस इन लाइफ. एंड देन देयर ऑल जस्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन कि नो वुमेन हैव टू एक्सपीरियंस दिस, मैन मैन हैव टू एक्सपीरियंस दिस, डू यू एवर नो. एंड आई जस्ट फेल सो ऑफेंडेड दैट वाई आर दे फाइटिंग. इट्स ओके ब्रो, लाइक अगर तुमने कभी कोई चीज़ एक्सपीरियंस की ही नहीं है,
तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे. लाइक फॉर अ मैन, इफ ही हैज नेवर एक्सपीरियंस व्हाट अ बर्थ पेन इज, ऑफ कोर्स उसके लिए उसका पेन मैक्सिमम रहेगा. वैसे ही अगर मैंने कोई और चीज एक्सपीरियंस की है तो मेरे लिए वो पेन मैक्सिमम होगा. तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये इक्वालिटी के नाम पे, रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि भाई दोनों का अलग एनाटॉमी है, यू शुड नॉट कंपेयर. यू शुड रादर अंडरस्टैंड कि ओके, दिस इज योर पेन, दिस इज योर मैक्सिमम पेन दैट यू कैन वेयर, दिस इज माई मैक्सिमम पेन दैट आई कैन वेयर. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड लेट्स सपोर्ट ईच अदर, लेट्स हेल्प ईच अदर टू कम आउट ऑफ इट, रादर देन जस्ट फाइटिंग कि नहीं तुम्हारा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ. तो ये नहीं होना चाहिए इक्वालिटी के नाम पे, मुझे तो यही लगता है. और ये समझना ही ना लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आजकल मतलब लोगों का ईगो है विच इज कमिंग इन बिटवीन, यू नो, कि नहीं वुमेन्स आर सप्रेसिव और एल्स सम वुमेन्स थिंक दैट मेन आर सप्रेसिव. तो ये वाला चीज जो है वो निकलना चाहिए लोगों के दिमाग से. एंड इट शुड बी लाइक बोथ ऑफ देम आर इक्वल, बोथ ऑफ देम आर हैविंग डिफरेंट रोल्स इन दिस होल यूनिवर्स, एंड वी शुड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर फॉर दैट, रादर देन जस्ट फाइटिंग कि नहीं मैं तो ये करती हूँ तो तुम भी करो. कभी कभी तो ऐसे भी लगता है कि पता है एक औरत भी बोल भी देगी, ज्यादा बोल रहेगी तो, कि नहीं आई एम ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड, वाई डोंट यू डू दैट. कभी कभी तो ऐसा वाला थॉट भी आता है कि ऐसे भी बोल सकते हैं लोग उस टाइम के बाद. एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखो भाई, वही है इस सब का एंड गोल, वही है कि ईगो ईगो इज नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग, पहले ही बता दूं तुमको। 17 साल की लाइफ में मैंने इतना तो सीख लिया भाई, ईगो रखना इज नॉट नॉट दैट मच बेनिफिशियल फॉर यू एट एनी कॉस्ट। लाइक ईगो इज समथिंग दैट यू फीड ना, लाइक उस मतलब उसको फीड करते रहोगे ना, इट विल जस्ट लाइक बी अ डेविल फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। लाइक जस्ट द आर्ट ऑफ फॉरगिविंग, फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, बींग काइंड, बींग सेंसिटिव अबाउट टॉपिक्स इज समथिंग दैट वी शुड लर्न अ लॉट अबाउट एज लाइक अ सोसाइटी एंड एज लाइक डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स। लाइक मतलब ठीक है तुम एक वुमन हो, बट लाइक वॉट कैन आई डू फॉर जस्ट नॉट आर्ग्यूइंग अबाउट इट, रादर मैं तुम्हारी, जैसे तुमने बताया कि लाइक आई जस्ट अंडरस्टैंड योर पार्ट, यू अंडरस्टैंड माई पार्ट, रादर देन आर्ग्यूइंग। और आर्ग्यू भी हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी कोई एक पॉइंट है जो आगे पुट फॉरवर्ड नहीं हो रहा, या फिर कोई चीज़ है जो हो नहीं रही है। उससे अच्छा अगर तुम मुझे सीधे सीधे वो चीज़ ही बता दो कि ये ऐसा ऐसा करना है, रादर देन यू टॉन्ट मी और लाइक पुट दैट ईगो वाला इक्वेशन इन टू द होल कॉन्वर्जेशन, रादर जस्ट टेल मी एंड आई विल अंडरस्टैंड, आई विल एक्सेप्ट, आई विल डू दैट वर्क। उससे बदतर के हम लोग काइंड ऑफ लड़ाई करें, झगड़ा करें, फिर वही काम तो वही करना है ना हम लोग का एट द एंड ऑफ द डे। वो चीज़ तो होने ही वाली है, फिर नहीं होने वाली है भाई, दो दो पॉसिबिलिटीज वही है उसकी। उससे अच्छा हम लाइक काइंड ऑफ वो टाइम वेस्ट ना करें, सीधा सीधा बता दे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले, बॉन्ड डेवलप कर ले, सेंसिटिव हो जाए, केयरिंग हो जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही करना पड़ता है भाई। तुमको तुम हर रोज झगड़ोगे, 5 दिन झगड़ोगे, 6वें दिन तुमको जेन्युइनली खुद से ही बुरा लगेगा एंड यू विल गेट बोर्ड ऑफ इट, कि लाइक हाउ मच यू आर हैविंग अ क्वारल एंड अ मेस अबाउट योर सेल्फ। रादर जस्ट डोंट हैव द मेस, हैव द अंडरस्टैंडिंग और हैव अ मेस वंस इन अ वाइल टू समवेयर रिजुविनेट योर अंडरस्टैंडिंग, बट इट्स जस्ट दैट डोंट टेक थिंग्स टू द एक्सट्रीम ऑलवेज, लाइक डोंट टेक थिंग्स Also, एक्सट्रीम एट ऑल। आई फील लाइक एक्सट्रीम पे जाने की उतनी जरूरत नहीं रहती, आई फील समवेयर। और मतलब ये बात भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर तुम कोई चीज बोल रहे हो तो यू शुड एक्चुअली अप्लाई इट. ऐसा नहीं है कि मतलब शी इज टेलिंग यू दैट प्लीज हेल्प मी विद माय हाउस होल्ड क्योर्स एंड लाइक या आई विल डू इट, आई विल डू इट. इवन लाइक अ वुमन, इफ अ मैन इज आस्किंग दैट ही इज नॉट एबल टू डू दिस वर्क एंड ही वांट्स अ हेल्प, यू शुडंट बी लाइक कि नहीं ये मेरा काम नहीं है तो मैं क्यों करूँ, तुम्हारा है तुम करो. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो वो जेन्युइन तो वी शुड टॉक्सिसिटी है इस अंडरस्टैंड. दुनिया की वो निकाल दो भाई, पॉजिटिविटी डाल दो, पॉजिटिविटी से ही फ्लरिश होती है चीज़ें। अगर वही हम लोग इतने देर से वही बोलने का ट्राई कर, हैप्पी रहोगे तो ज़्यादा प्रॉस्पर कर पाओगे, ज़्यादा अच्छी ऊंचाइयों पे जा पाओगे, वरना ऑल दीज लाइक ईगो देन लाइक बैड टॉक, टॉक्सिक बिहेवियर, इट्स जस्ट गोइंग टू पुल यू डाउन इन द लॉन्ग टर्म एंड यू डोंट नो हाउ मच इट विल क्योर बट इन द लॉन्ग टर्म, वेर यू डोंट इवन थिंक कि इट विल डू समथिंग और द अदर। Do you have any experience of yourself as an example? Like for example, जैसे कभी तुम्हें कुछ ज्यादा ही हेट मिल गया हो बिना मतलब का, मतलब इलॉजिकली ऐसा हाँ कभी हुआ है? होता है लाइक इट्स लाइफ, इट्स एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द डे ना। आई एम लाइक आई फॉरगिव इट ऐसे, आई एम लाइक ओके ठीक है। लाइक मुझे जेन्युइनली अभी एक मेरी फ्रेंड है, अगर वो ये पॉडकास्ट सुन रही है पहली बात तो या आई नो यू एंड आई नो दैट यू आर लिसनिंग इट, Who is this? I want to know who you are referring to.
या इट्स जस्ट समवन, लाइक आई'ल नॉट लाइक टू रेफरेंस हु शी इज, शील नो इट अगर वो सुन रही है पॉडकास्ट. तो लाइक रिसेंटली वी आर हैविंग अ टॉक एंड उसमें वो लाइक वी हैड सम आर्ग्यूमेंट और समथिंग, एंड आर्ग्यूमेंट नहीं बट इट वॉज जस्ट लाइक की काइंड ऑफ आई फेल्ट सैड अबाउट समथिंग एंड शी वॉज लाइक सॉरी 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 डाल रही थी. तो आई वॉज लाइक ओके नो प्रॉब्लम विथ इट, पर तभी भी शी वॉज लाइक गोइंग सॉरी, देन आई वॉज लाइक ओके नो प्रॉब्लम, शी वॉज अगेन सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे चलता रहा फॉर 2-3 मिनट्स. आई वॉज लाइक अरे इतना सॉरी क्यों बोल रही, शी लाइक नहीं नहीं आए तेरे को बुरा लगा ना यार अबाउट इट. आई एम लाइक हाँ बुरा लगा सो व्हाट्स अबाउट इट, शी लाइक नहीं नहीं यू यू फेल्ट बैड अबाउट इट सो आई एम ऑल्सो फीलिंग बैड अबाउट इट एंड आई एम सॉरी. आई एम लाइक ओके आई एक्सेप्टेड इट. तो फिर मैंने वापस ओके डाला, शी इज लाइक ओके ओके मत डाल. आई एम लाइक अच्छा क्यों, बट शी इज लाइक कि नहीं वो रेपिटेटिव हो जाता है एंड इट्स समथिंग आई डोंट अप्रिशिएट रियली, बट आई एम लाइक नहीं वो मेरी इंडिविजुअलिटी एंड आई समवेयर जेन्युइनली मीन इट, लाइक हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम आई एक्सेप्टेड इट. मेरा वही प्रॉब्लम होता है कभी कभी लाइक कि आई फॉरगिव थिंग्स ऐसे ही, बट लाइक लोगों को लगता है कि मैं अभी भी ग्रज लेके बैठा हूँ उसके बारे में कि लाइक नहीं मैं तो तो अभी इसको देखूंगा ही बाद में मिलता हूँ तुझे, वैसे एटीट्यूड से आई एक्सेप्ट थिंग्स, बट इट्स नॉट लाइक दैट. मैं जेन्युइनली लाइक छोड़ देता हूँ चीज़ों को. आई एम लाइक ओके ठीक है नो प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे बड़ा इशू नहीं है ये और बड़ा इशू बनाना भी नहीं है इसको वैसे. वेरी या इट्स वेरी क्यूट मोमेंट दो एंड इट इज समथिंग विच आई कैन रिलेट टू नॉट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू बट रादर द गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू यू नो लाइक आई एम ऑल्सो समवन की लाइक मुझे भी अगर कभी मैंने मेरे से कुछ हो गया भाई 10-12 बार सॉरी बोलने के बाद भी अगर उस इंसान ने बोला कि ब्रो इट्स ओके ओके इट हैपेंस इट्स ओके इतना बड़ा सीरियस चीज नहीं है आई एम जस्ट टू इनसिक्योर टू जस्ट लाइक यू नो लाइक लेट इट गो कि नहीं इट्स ओके हैपेंड द पर्सन हैज एक्सेप्टेड इट इट्स जस्ट लाइक तो भाई तुम जो भी लड़की हो गर्ल आई कैन अंडरस्टैंड यू इट्स कम्प्लीटली ओके. अभी मुझे तो ऐसे लगता है कि कभी कभी लोग यू नो पागल समझते हैं मुझे लाइक इतना बोलने के बाद भी ये लड़की समझ नहीं रही है बट दे आर जस्ट लाइक आई डोंट नो व्हाई बट आई एम जस्ट टू इनसिक्योर कि नहीं भाई अगर ये गुस्सा हो गया बात नहीं करेगा बात नहीं करेगी छोड़ देगी बात करना एंड आई विल बी अलोन एंड ऐसा वाला वो अलग सो ओके ओवरथिंकिंग में हैपेंस ओवरथिंकिंग टैप करने लग जाते हैं हम लोग. या बहुत ज्यादा गर्ल आई कैन अंडरस्टैंड यू कमिंग टू थोड़ा अभी लाइक सिंपल टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा शांत टॉपिक पे आते हैं क्योंकि अभी बहुत एकदम एक्सप्लोसिव टॉक हो गया, नॉलेजेबल टॉक हो गया. कमिंग टू समथिंग मच मोर सिंपलर, थोड़ा सादा सेंसिटिव टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट म्यूजिक, क्योंकि यू आर वन ऑफ द पीपल आई नो जो गाने सुनती है बहुत ज़्यादा एंड लाइक यू हैव अ वेरी लाइक वेरी वेरी टेस्ट ऑफ सॉन्ग्स. सो व्हाट्स यू से अबाउट दैट, लाइक म्यूजिक हो गया, देन लाइक व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू यूजुअली लिसन टू, व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग वगैरह, वो जनरल क्वेश्चंस आई लाइक टू आस्क यू, जस्ट टेल इट खुद से व्हाट यू फील अबाउट म्यूजिक. म्यूजिक अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट सुनने वालों को तो मतलब मेरे पहले शब्द से ही लग जाएगा कि ये तो लड़की बायस्ड है या आई एम अ के पॉप फैन आई डू लिसन टू के पॉप सॉन्ग्स अ लॉट बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब भाई मैं तो इंडियन सॉन्ग सुनती नहीं हूँ एंड दिस इज वेरी यू नो इम्पोर्टेंट. अभी तो मतलब इतना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है के पॉप का कि कुछ कुछ लोगों को पता काइंड ऑफ यू नो दैट ऑब्सेस्ड फैंस जैसे होते हैं तो नो आई एम नॉट दैट ऑब्सेस्ड बट या आई डू लाइक द म्यूजिक एंड उसका मेन रीजन यू नो एक्चुअली अभी ये के पॉप एंड ऑल इतना या फिर वेस्टर्न गाने या फिर यू नो बाकी के अभी तो जैसे जापनीज सॉन्ग्स एंड ऑल ये सब भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम लोग की लोग सुन रहे हैं तो इसका रीजन क्या है भाई बिकॉज अभी मेजोरिटी ऑफ द हम लोग जिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स को सुनते हैं उनमें वो यू नो काइंड ऑफ जो एक ये रहता है ना कि दे हैव अ स्टोरी और दे हैव सम फीलिंग्स ये ऐसे रहे ही नहीं है. ऑफकोर्स ऐसे बहुत सारे सिंगर्स अभी भी है लाइक इंडियन अपने फेवरेट सिंगर्स लाइक अरिजीत सिंह हो गए श्रेया घोषाल हो गया जुबिन नौटियाल हो गया ये दीज आर पीपल लाइक इनफैक्ट इवन ओल्ड सॉन्ग्स लाइक किशोर कुमार लता मंगेशकर एंड ऑल आशा भोसले ये सब भी सॉन्ग्स है जो मैं अभी भी सुनती हूँ बट अभी के करंट जी जो लाइक थीम होता है ना सॉन्ग का लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द सॉन्ग बट फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव हर्ड दैट सॉन्ग लाइक कोका कोला तू हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग टोनी आई कुरकुरे थिंक के गाने भाई, टोनी कुरकुरे. या एग्जैक्टली तो लाइक आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग हिम और समथिंग बट लाइक वो गाने भाई क्या सुनोगे तुम उसमें व्हाट इज द मैसेज दैट यू आर गेटिंग नथिंग इट्स जस्ट ब्लैंक ना उसमें कोई मतलब कोई सॉन्ग का कोई बीट्स ऐसा खास नहीं है लिरिक्स कुछ ऐसा खास नहीं है एंड अभी मोस्ट बहुत सारे ऐसे सॉन्ग है जो लाइक उसमें या तो थीम सबका सेम होता है तो लाइक यू नो अभी हम लोग पक गए हैं वो गाने सुन के तो वी वॉन्ट सम डिफरेंस वी वॉन्ट सम वेराइटी
जो मतलब ठीक है मैं मानती हूँ, एंड ऑनेस्टली लेट मी ऑल्सो टेल दिस, मैं अगर के पॉप गाने सुनती तो ब्रो आई डोंट गो ऑन द लिरिक्स, आई डू नॉट गो ऑन द लिरिक्स, आई जस्ट फॉलो द बीट्स. या फिर कभी कभी लाइक के पॉप में ये बहुत फेमस है कि दे हैव दिस म्यूजिक वीडियोज वेर इन द आइडल्स आर ऑल्सो परफॉर्मिंग. तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई गाने का डांस स्टेप अच्छा लग गया, या फिर कभी कोई पर्टिकुलर सेक्शन होता है सेकेंड्स का जो हम लोग को म्यूजिक में बहुत अच्छा लग जाता है तो इसलिए पूरा गाना सुन लिया. तो ऐसा भी होता है. इंग्लिश सॉन्ग्स में भी मुझे बहुत सारे सिंगर्स पसंद है, जैसे इंग्लिश सॉन्ग्स में ज़्यादा सुनती तो हूँ नहीं, बट जैसे मुझे एलन वॉकर अच्छे लगते हैं, मुझे उनका ट्यूनिंग जो होता है बहुत अच्छा लगता है. एंड सम ऑफ द अदर सॉन्ग्स जैसे है जो मुझे कम्प्लीटली मतलब सिंगर्स के नाम तो नहीं पता तो ऐसा नहीं है, बट अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है यार हम लोग को केपॉप सुनने के लिए. इतना भी क्रिटिसाइज मत करो हम लोग को, ऑब्सेस फैन नहीं है हम लोग. तुम लोग भी कभी ट्राई करो अगर अच्छा लगता है तो, और नहीं लगता है तो चीज़ों को पता नहीं क्यों लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना रहता है कि यार ठीक है नहीं अच्छा लगता है तो नहीं अच्छा लगता है, मत सुनो, कौन तुम्हें फोर्स कर रहा है. तो म्यूजिक में मुझे तो यही लगता है कि बस अभी हम लोग को वैरायटी नहीं होने की वजह से हम लोग ये बाकी के जितने भी और जॉनर्स है सॉन्ग के हम लोग उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड अगर किसी कोई चाहता है कि यू नो वी शुड गेट बैक दैट जिस्ट ऑफ दैट इंडियन सॉन्ग्स, तो भाई तुम वैरायटी लेके आओ उसमें, तुम अलग स्टोरी लेके आओ, अलग बीट्स लेके आओ, तो कौन नहीं सुनेगा. और अभी भी मेजोरिटी बहुत कम है ऐसी कि जो अलग गाने सुनते हैं, इंडियन सॉन्ग सुनने वाले अभी भी बहुत सारे लोग हैं. हमारे घर पे अभी भी मम्मी काम कर रही रहती है ना, तो सुबह ऐसे यू नो 90s and 70s 60s 80s के पुराने गानों का ऐसे ना घंटों घंटों का ऐसे प्लेलिस्ट चालू रहता है. तो या मैं बहुत सारे गाने सुनती हूँ अभी भी, एंड आई एम ऑल्सो लाइक वेरी यू नो फैन ऑफ द मोस्ट फेमस बैंड जो तुम लोगों ने सुने होंगे, जैसे BTS हो गया, NHYPEN, TXT. तो ये कुछ है और भी है, बट आई गेस कोई कोई हो सकता है सुनने वाला जो ज़्यादा के पॉप में नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, वरना कुछ कुछ लोग अफेंड हो जाते हैं. वॉट इज योर टेस्ट ऑफ म्यूजिक? मैंने सुना है कि यू नो यू सिंग क्लासिकल ऑल्सो गाने एंड ऑल, तुम सुनते भी हो गाते भी हो, मैंने सुना है एक दो बार, और तुमने बताया भी है कि हमारे घर में भी ऐसे गाने बहुत चलते हैं. तो बट समवेयर अराउंड एक्सेप्ट द ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, डू यू ऑल्सो लिसन टू एनी अदर जॉनर ऑफ सॉन्ग्स? आई एम मेजोरिटी लाइक काइंड ऑफ आई लिसन टू ओल्ड सॉन्ग्स, आई लिसन टू न्यू सॉन्ग्स, आई लिसन टू लाइक वेरी वेरीड अमाउंट ऑफ लाइक म्यूजिक. लाइक माई म्यूजिक रेंजेस फ्रॉम लाइक चार्ली पूथ टू लाइक किशोर कुमार टू लाइक या मदन एग्जैक्टली सेम मोहन सेम टू लाइक माइकल जैक्सन टू लाइक राहुल देश पांडे, महेश काळे टू लाइक अजय अतुल. लाइक बहुत बहुत वेरीड म्यूजिक टेस्ट है. या दैट्स नॉट वन टू थिंग. सप्रेस. ओके, अपने मराठी गाने भी एकदम झकास रहते हैं, ठीक है सुनना कभी नॉन नॉन यस, अरे महाराष्ट्रियन शिट्टी की. वाजली गाड़ी सुटली रात को पार्टी में कोई भी लाइक वो गाना सुन रहा रहेगा, दैट द मोस्ट एंजॉयमेंट दैट पर्सन विल गेट एट दैट वन मोमेंट. लाइक फ्रॉम अप्सरा अली दैट आई लिसन्ड अ वर्जन, इट वॉज अनहोली एंड अप्सरा अली को लाइक कंबाइन किया था. वाओ, इट्स सो द गुड फिट, लाइक दैट फिट, लाइक द होल वाइब ऑफ इट, इट वॉज सो करेक्ट एंड ऑन पॉइंट फॉर सम रीजन. लाइक बेला शिंदे शुड जेन्युइनली सिंग थोड़े ज्यादा सॉन्ग्स, आई फील लाइक शी इज सिंगिंग सम सॉन्ग्स फॉर सम रीजन, बट लाइक शी हैज अ गुड वॉइस. शी हैज अ अजय वेरी अतुल के बोल्ड भी, वॉइस आई या फील. बेला इट्स शिंदे लाइक एंड अजय अतुल कोलैबोरेशंस आर ऑलवेज लाइक वेरी या गुड. एंड मैं यूट्यूब पे देखती हूँ एक्चुअली, जैसे अभी तूने एग्जांपल दिया है अनहोली एंड अप्सरा, वैसे बहुत सारे एग्जांपल है. लाइक आई डोंट नो द नेम ऑफ द सॉन्ग बट आई नो द ट्यून ऑफ द सॉन्ग, एंड देयर इज अ सिंडीना सॉन्ग कैसे था लगाड़ी संग ढोल बाजे, एंड इट्स वन ऑफ द वेरी अदर फेमस सॉन्ग ऑल्सो इंग्लिश. तो उसका लाइक मैशअप एंड इट वॉज जस्ट फिटिंग ऑन सो पॉइंट. मैं आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉन्ग, लाइक आई जस्ट सिंग सम ऑफ द ट्यून एंड प्लीज जस्ट डू टेल मी द नेम ऑफ द सॉन्ग. तो ये जो मैशअप मैंने सुना था ब्रो, मैं लेजेंड मतलब 10 से 12 बार मैं दिन में सुनती थी उसको. एक बार उसको प्ले किया तो जस्ट इट वाज जस्ट लाइक बैक टू बैक जस्ट प्ले. ऑल्सो मतलब टॉकिंग अबाउट रीमेक्सेज, वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट लाइक ओरिजिनल म्यूजिक जो आ रहा है. लाइक रीमेक्सेज आर रिफ्रेशिंग, बट लाइक ऑल्सो कभी कभी ओरिजिनल हिट विद लाइक सम डिफरेंट अप्रोच ऑल्सो. टॉकिंग अबाउट मतलब अभी हम लोग म्यूजिक के बारे में, यू मेंशन दैट लाइक के पॉप वाला थिंग,
इन के पॉप आई एम नॉट दैट मच एजुकेटेड एज सच. आई हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ के पॉप, लाइक क्या क्या रहता है, कैसे रहता है कोरिया, हाउ हाउ इट फंक्शंस. बट लाइक आई नो अबाउट आइडलशिप, बट आई लाइक टू लाइक नो योर परस्पेक्टिव ऑफ आइडलशिप. लाइक क्योंकि वी वर टॉकिंग, मतलब बिफोर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, लाइक वी टॉक अबाउट लाइक सम टॉपिक्स एंड वन ऑफ देम इज लाइक के पॉप प्रोमिनेंटली. इट्स लाइक के पॉप एंड आइडलशिप वगैरह. सो व्हाट्स से अबाउट दैट, लाइक मतलब पॉडकास्ट पे व्हाट यू लाइक टू हाईलाइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूंगी ब्रो, इट्स कम्प्लीटली ओके. तुम्हें के पॉप के बारे में अगर ज्यादा नहीं पता है तो इट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज अभी के इसमें अगर तेरे जैसा भाई कोई बंदा मिला ना किसी के पॉप को फैन को, भाई भाई तुम्हारी पूरी इज्जत उतार देंगे, बोलेंगे तुम्हारा तो मतलब यू विल हैव टू यू नो लाइक क्वेश्चन योर लाइफ, ऐसा वाला सिचुएशन कर देता है. तो आई एम नॉट लाइक दैट, इट्स कम्प्लीटली ओके इफ यू डोंट नो. एंड सेकेंड थिंग इज कि सिंस मैं के पॉप में BTS की वजह से आई थी, एंड BTS इज करेंटली यू नो लाइक बहुत ही एक कॉन्ट्राडिक्शन वाला यू नो पॉइंट है कि लाइक किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है, और अगर किसी को अच्छा लगता भी है तो नहीं लगने वाले उसको इतना बुरी तरह से यू नो क्या बोलते हैं अपन, मतलब इज्जत उतार देते हैं उसकी कि जैसे पता नहीं कोई रेसिस्ट या फिर कोई देशद्रोही होगा. तो आइडलशिप में मेन थिंग विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज कि ब्रो वी शुड अंडरस्टैंड कि वो लोग भी इंसान है. लाइक मैं अभी यूट्यूब वगैरह पे जैसे म्यूजिक वीडियोस, मैंने तुम्हें बोला कि उनके इसमें होता है कल्चर में कि दे मेक म्यूजिक वीडियोस बाय द आइडल्स सिंग एज वेल एज परफॉर्म, तो उनके कमेंट सेक्शंस में यू नो हर किसी के बारे में कितना भी अच्छा किया हो या कितना भी बुरा किया हो क्रिटिसिज्म तो होता ही है. एंड दे आर लाइक यू नो एक एक पॉइंट पकड़ के बैठ जाते कि इसने तो गंदा किया उसने गंदा किया, तो ये बात यू नो थोड़ा समझने में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो भी इंसान है भाई, कोई परफेक्ट नहीं होता है. और हम एज अ फैन हमें भी ये बात को समझना चाहिए कि हमें कब किस चीज़ को मतलब सेलिब्रिटीज़ या फिर आइडल्स की किस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए और किसका नहीं. लाइक लोगों को लगता है कि ठीक है कुछ कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी हैं जो जिसमें लाइक यू नो इट्स ऑल जस्ट अबाउट फन एंड ऑल, बट मेजोरिटी ऑफ द सॉन्ग्स उनके बेसिस इस पे होता है कि यू नो लाइफ स्ट्रगल्स एंड पीयर प्रेशर एंड देन द बटरफ्लाई इफेक्ट. एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर मैं वैसी बात करूँ तो बॉलीवुड के आइडल्स का आई रियली डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग. लाइक मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है अपने कोई एक्टर पसंद नहीं है ऐसा नहीं है, बट जो एडवर्टाइजमेंट की तरह अपनी सेलिब्रिटीज को जो यूज़ किया जाता है मुझे वो बिल्कुल 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 पसंद नहीं है. लाइक कोई कोई सेलिब्रिटीज तो ऐसे भी है कि अगर वो कोई सी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो दे आर नॉट इवन नोन अबाउट कि वट एग्जैक्टली इज द प्रोडक्ट, इतना मतलब बिजनेस में उनको घुसा दिया है. तो मुझे नहीं अच्छा लगता ये कि ये सब चीज़ों को यू नो ये अपने सेलिब्रिटीज एंड ऑल प्रमोट करते हैं उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करते हैं. एंड हम लोग एज अ जनरेशन, हम लोग एज वॉचर्स आइडल्स या फिर ये सेलिब्रिटीज मतलब ये हम लोग के रोल मॉडल्स होते हैं ब्रो, हम लोग इन लोग को रोल मॉडल्स की तरह देखते हैं. ये जिस तरह की जिंदगी जीते हैं उस तरह की जिंदगी को हम लोग जीने के लिए यू नो वी ट्राई टू परस्यू दैट थिंग, वी ट्राई टू नहीं कि मुझे ये करना है ताकि मैं इसकी तरह बन पाऊँ. तो ये मेरा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे रिसेंटली सेंट्रल पार्क के पास का जो मेन रोड है ना आई लव खारघर वाला, वहाँ पे भोला मूवी जो है उसकी शूटिंग चल रही थी. एंड सडनली हम लोग तो ऐसे ही सुबह राउंड मारने के लिए जा रहे थे मेरी फैमिली और मैं, एंड वी जस्ट सी सॉ अ लॉट ऑफ क्राउड ओवर देयर एंड यू नो बैरिकेड्स वगैरह सब कुछ लगाए हुए थे. तो वी थॉट कि भाई ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, एंड बाद में हम लोग को पता चला कि वहाँ पे वो मूवी का शूटिंग लग रहा था. एंड लेजेंड हम लोग वहाँ पे सीरियसली 4 से 5 घंटा वी वर जस्ट वेटिंग जस्ट टू यू नो गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस, ऑफ अजय देवगन फेस. एंड सीरियसली आई वॉज जस्ट सो डिसअपॉइंटेड, आई वॉज सो डिसहार्टेंड कि जब भी वो आए दे वर इन देयर फॉर मच ऑफ टाइम. एंड इट वॉज लाइक जस्ट वो आए 2-3 मिनट बाहर बस घूमे, दे वर टॉकिंग विद द डायरेक्टर एंड ऑल द एक्टर्स, बाकी के जो भी उनके पुलिस मैन जो रोल करे थे उनके साथ. एंड सीरियसली ब्रो लाइक जितना भी टाइम वहाँ पे थे ही वॉज कंटिन्यूसली स्मोकिंग. आई वॉज जस्ट सो सैडन बाई सीइंग कि मतलब हम लोग इनको टीवीज में देख के हम लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं इन लोग को, बट जब हम लोग इन लोग को रियल लाइफ में देखते हैं तो इट्स लाइक इट्स कम्प्लीटली द अपोजिट. जैसे तुम्हारे पॉडकास्ट का नाम है एग्जैक्टली अपोजिट्स, वैसा ही उनका यू नो जो पर्सनैलिटी है. तो मुझे ये बात को लेके बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब इस तरह का लाइफ भी एक है उन लोग का कि
कि वो लोग लोगों को दिखाते कुछ और है एंड दे देमसेल्फ आर समथिंग एल्स. सो आई थिंक कि अगर तुम किसी के लिए कुछ रोल मॉडल हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर सिचुएशन इज, तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि मिलियंस ऑफ पीपल्स आर लुकिंग आफ्टर यू, मिलियंस ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू. तो नो मैटर वॉट यू शुडेंट बिहेव अ वे दैट विल लाइक डिसहार्टन योर फैंस और विट कैन यू नो गिव अ रॉन्ग इन्फ्लुएंस टू फैंस. जैसे अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि यू नो जो उनको देख के उन लोग को ऐसे लगता होगा ब्रो स्मोकिंग इज वेरी यू नो यू लुक वेरी कूल एंड इट्स लाइक यू नो यू विल बिकम वेरी फैंसी और यू विल बिकम वेरी मेच्योर, बड़े इंसान की तरह लगोगे. सो इट कैन गिव अ रॉन्ग मैसेज एज वेल. तो आइडलशिप का मुझे बस यही बात जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बाकी का तो सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. आइडलशिप में वही है ना, लाइक मतलब जस्ट फॉर द स्टेटमेंट आई लाइक टू पुट इट, के पॉप आइडलशिप इज नॉट द फर्स्ट आइडलशिप एवर। लाइक इसके पहले भी इससे बड़े बड़े फैन बेसेस आ चुके हैं, अभी भी है और चले भी गए बहुत। मतलब लाइक जस्ट गिविंग अ एग्जाम्पल ऑफ लाइक अ म्यूजिक ओरिएंटेड काइंड ऑफ फैन बेस दैट वॉज देयर, इट्स माइकल जैक्सन का जो फैन बेस था। लाइक इट वॉज एग्जैक्टली. ही वॉज लाइक अ पैन पैन काइंड ऑफ वर्ल्ड पैन एंड ही वॉज लाइक अ इंटरनेशनल पॉप स्टार। उनका फैन बेस आई फील इज मच मच बिगर देन लाइक अभी जो के पॉप का है। लाइक इट विल ग्रो। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग कि लाइक वो इतना ही रहेगा के पॉप का, या फिर लाइक माइकल जैक्सन एकदम ही बड़ा है, ही सुपीरियर टू देम, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट टेलिंग इन लाइक फैक्ट्स एंड इन नंबर्स। लाइक हिज फैन बेस इज करेंटली इफ नॉट द बिगेस्ट फैन बेस दैट इज देयर, एंड इट्स समथिंग दैट आई कैन बी लाइक रॉन्ग ऑल्सो अबाउट। सो इफ आई एम रॉन्ग अबाउट इट, आई एम एक्नोलेजिंग इट। लाइक मैं करेक्ट भी हो सकता हूँ, रॉन्ग भी हो सकता हूँ। आई एम नॉट लाइक पुटिंग इट लाइक एकदम स्वर्ण अक्षर में, नहीं बता रहा हूँ मैं। एंड ऑल्सो लाइक मतलब माइकल जैक्सन हो गया, देन जैकी चैन हो गया। जैकी चैन इज ऑल्सो वन ऑफ द एन बीइंग अ इंटरनेशनल बीटीएस फैन स्टार। आई कैन अश्योर, आई कैन राइट इट ऑन पेपर कि बीटीएस से ज्यादा माइकल जैक्सन के फैंस है इन इंडिया एज वेल एज आउट ऑफ इंडिया. आई कैन अश्योर दिस. बट इट्स लाइक कुछ कुछ फैन बेसिस यू नो ऐसे होता है कि दे आर लाइक कि नहीं, हमारे आइडल भगवान से और बड़ा तो कोई है ही नहीं, वही लाइक ऐसी वही है, वाली लाइक चीज है. व्हेन यू आर इन लाइक यू आइडलाइज समबडी, जस्ट डोंट बी टू मच अटैच्ड विद इट, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑल्सो लाइक अ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। ही इज अ ह्यूमन बींग जैसे लोग बोल रहे हैं। लाइक उनकी एक अलग पर्सनल लाइफ हो सकती है, एंड इन दैट दे मे बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम वॉट दे आर लाइक पब्लिसाइज, क्योंकि एक एक लाइक बिजनेस साइड रहती है, एक उनके प्रोफेशन की साइड, एंड देन ही हैज लाइक अ पर्सनल लाइफ इन विच लाइक पर्सनल लाइफ में ही हैज हिज कंट्रोल। लाइक ही कैन डू वॉट ही वॉन्ट्स टू डू, नॉट वॉट पीपल वॉन्ट हिम टू डू, बट लाइक स्टिल देर शुड बी अ लाइन। आई फील दैट वही कि रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, इन्फ्लुएंस कर रहे हो तुम, लाइक वो एक पॉइंट कैन बी डेफिनेटली देयर, बट ऑल्सो लाइक इट्स देयर पर्सनल लाइफ, सो वी कैन नॉट इंटरफियर एज मच एज वी वॉन्ट टू एज फैंस। सो दैट्स वन पॉइंट। लाइक अनदर पॉइंट दैट आई लाइक टू पुट फॉरवर्ड इज जो अग्रेसिवनेस है एक आइडल की वजह से, वो नहीं रखना चाहिए। आई फील समवेयर लाइक अग्रेसिवनेस इज नॉट समथिंग दैट इज लाइक पैल्पिटेबल फॉर लाइक द मेजोरिटी। आई फील मतलब इट्स वेल एंड गुड दैट यू आर फैन ऑफ समबडी एंड यू आइडलाइज देम, बट ऑल्सो लाइक दे मे बी हैविंग सम बैड पॉइंट्स विच द अदर पार्टी मे नॉट लाइक दैट मच, और समबडी विद इन यू ऑल्सो मे नॉट लाइक दैट मच। लाइक जैसे तू बोल रही थी लाइक यू आर नॉट अ अजय देवगन हेटर, बट इट्स जस्ट दैट यू डिडंट लाइक हिम स्मोकिंग एट दैट पॉइंट, एंड योर फादर एग्जैक्टली. डिडंट लाइक हिम एंड ही कमेंटेड अबाउट इट। फ्रॉम अ ह्यूमन टू ह्यूमन परस्पेक्टिव ही डिडंट लाइक इट, बट एज अ स्टार एंड एज लाइक अ सेलिब्रिटी, एज एन एक्टर, एज अ प्रोफेशनल एक्टर, ही मे बी वेरी वेरी गुड एट हिज क्राफ्ट, बट इट्स जस्ट दैट उनकी पर्सनल लाइफ में ही डिडंट लाइक इट। इट्स जस्ट दैट। एंड ऑल्सो देर शुड बी समवेयर लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रादर दैन लाइक इलॉजिकल बेसलेस जस्ट टू पुल शिट डाउन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। वैसे जो थॉट्स रहते हैं, वैसे जो ओपिनियंस रहते हैं, दे शुडन बी प्रमोटेड, रादर इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। लाइक मतलब आई जैसे मैं बोल रहा था लाइक आई कम टू यू, आई टेल यू दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग रॉन्ग, प्लीज कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, एंड लाइक जस्ट वेट फॉर इट टू हैपन रादर देन बींग अग्रेसिव कि लाइक अभी तो करना ही है, इसको करना ही। बाय दैट आई ऑल्सो डोंट मीन कि यू शुडेंट बी अग्रेसिव अबाउट थिंग्स, बट इट्स लाइक देर इज लाइक अ कर्व ऑफ अग्रेशन दैट यू कैन पीक एट एंड वॉट्स नेसेसरी, रादर देन तुम सिर्फ लाइक हर बार तुम लाइक एक्सेलेरेटर फुल नहीं दे सकते ना, दैट्स द थिंग। या आइडियलिज्म
फैंस ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइक बीइंग अ फैन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम अ बीटीएस फैन, हो सकता है कोई अजय देवगन फैन भी सुन रहा हो एंड ही माइट बी ऑफेंडेड बाय वॉट एवर आई सेड. तो अभी मतलब अगर कोई जान पहचान का मेरा इंसान है तो ब्रो प्लीज मुझे मैसेज मत करना कि तुम्हारे बीटीएस के शुगा ने भी तो उसके एमवी में स्मोक किया था, वाई आर इंट यू टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट. इफ ही हैज स्मोक्ड ब्रो, आई एम नॉट इन सपोर्ट अबाउट दैट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज बैंगटन और वेदर इट इज समवन एल्स. लाइक वी ऑल नो हाउ बैड इट इज फॉर स्मोकिंग. तो मतलब ऐसा है तो भाई मैं भी क्रिटिसाइज करूंगी शुगा को. मतलब शुगा इज एक्चुअली अ मेंबर ऑफ बीटीएस एंड ही इज द मेन रैपर. तो एंड इन वन ऑफ हिज एमवी, जस्ट टू स्लैप ऑन हिज हेटर्स फेस, ही एक्चुअली डिड अ 2 to 3 second सीन ऑफ अ स्मोक. एंड वाई इट एंड देर वॉज एक्चुअली रीजन डन फॉर इट, बिकॉज उनके बाकी के जो मेम्बर्स है, देर वर अ लॉट एंड लॉट ऑफ एडिटेड पिक्चर्स ऑफ देम लाइक गोइंग वायरल फॉर लाइक देम वेपिंग और स्मोकिंग. एंड टू एक्चुअली प्रूव देम एंड बीटीएस इज एक्चुअली वेरी मच क्रिटिसाइज. तो उस रीजन की वजह से देर वॉज अ सीन एंड उसकी वजह से भी लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज हिम. तो अगर ऐसी बात है तो भाई मैं भी उस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करूंगी. बट मेरा उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करने का पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि आई एम बीइंग अ हेटर टुवर्ड्स इट, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ब्रो इट्स बैड फॉर योर हेल्थ, डोंट डू इट, बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल आर लुकिंग एट यू, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स यू. अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हारे फैंस भी तुम्हें फॉलो करेंगे. तो दैट इज वॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू वॉज कि इफ यू आर इन नाउ ही न्यू, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट अजय देवगन, सो ही न्यू दैट ही इज इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल. छोटे छोटे बच्चे थे यार वहाँ पे देख रहे थे, तो इट डजेंट गिव अ गुड इमेज, राइट? तो लाइक इट्स ओके इफ ही हैज अ पर्सनल लाइफ, ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रोन अप मैन, ही हैज हिज ओन चॉइसेस, बट ये बात उनको दिमाग में, मतलब दिस इज द जॉब दैट दे हैव चूजन, राइट? उनको किसी ने फोर्स नहीं किया था एक्टर बनने के लिए. तो अगर उन्होंने ये जॉब चूज किया है तो दे शुड अनकॉन्शियसली ऑल्सो उनके दिमाग में ये होना चाहिए दैट दे शुडंट टेक अ बैड स्टेप एंड इट वॉजेंट कि इट वॉज अ मिस्टेक, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक यू शुड ऑलवेज हैव दिस थिंग इन माइंड कि यू शुड बी केयरफुल ऑफ वट एवर यू आर डूइंग, नो मैटर हू एवर यू आर, डजेंट मैटर वेदर यू आर बीटीएस, वेदर यू आर समवन एल्स, वेदर यू आर समवन एल्स. एंड इसमें एक और एग्जाम्पल जो मैं देना चाहूंगी, आई डू यू नो इफी जावेद, शी इज करेंटली अ लॉट ऑफ लाइक ऑनलाइन. तो मुझे भी लाइक वी कैन हैव हर एज एन एग्जाम्पल. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हर बिकॉज आई हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड फॉर हर. लाइक ऑनेस्टली मुझे उसका क्लोथ फैशन नहीं पसंद. ओके इट्स ओके अगर वो पहन रही है, शी सेज दैट फैशन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैशन होते हैं, तो इट्स ओके अगर वो शी इज फॉलोइंग द फैशन, तो इट्स ओके, आई डोंट माइंड. बट मुझे उसका क्लोथिंग सेंस नहीं पसंद. तो इनिशियली आई वॉज अ हेटर ऑफ हर, दैट आई यूज टू बी लाइक भाई ये ऐसे कपड़े पहनती है तो इसकी सोच तो क्या ही होगी, ये लोगों को क्या ही मतलब क्या इमेज बनाती है ये लोगों के बीच में, कैसे छप रही जैसे औरत है एंड ऑल. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जब उसके इंटरव्यूज देखे बाद में एंड उसके कॉन्वर्जेशंस में था ब्रो, हर पॉइंट्स वर लाइक सो जस्टिफाइड. शी इज सो इंटेलिजेंट, शी इज सो मच नोन अबाउट द वर्ल्ड. लाइक देर वॉज दिस वन लाइक स्टेटमेंट दैट शी मेड कि इट वॉज समथिंग अबाउट कि लाइक वॉट एवर द रेप केसेज एंड ऑल आर गोइंग ऑन, सो वॉट वर हर व्यूज ऑन इट. एंड शी वॉज लाइक कि भाई जब तक लोगों के दिमाग में किसी भी बात का डर पैदा नहीं होगा जिंदगी में, किसी के भी मतलब इस पूरे यूनिवर्स में भी तुम किसी को भगवान को भी नीचे उठा के लाओगे ना, तो भी ये रुकने वाला नहीं है, बिकॉज जब तक किसी के दिमाग में डर नहीं बैठेगा तब तक, तो भले ही तुम उसको कितना भी करो, तुम उसको जेल में भी 2 साल में जाके उसको छोड़ दोगे ना, तो भी ये चीज़ कभी जाने वाला नहीं है. बिकॉज इन इंडिया एक रेप करने वाला इंसान का जितना क्या बोलते हैं, जेल होने का जितना टाइम है, इट इज़ वे मोर लेसर देन टू बींग डूइंग एन अबॉर्शन, विच वॉज बिकॉज ऑफ एन अनवांटेड प्रेगनेंसी. तो ये सब चीज़ें जो है, तो मैंने उसके इंटरव्यूज देखे तो आई वॉज सो मच इंस्पायर्ड बाय दैट कि आई एक्चुअली अंडरस्टूड कि नहीं भाई, बस कुछ एक पॉइंट की वजह से हमें किसी इंसान को जस्ट ऐसे ही ये नहीं करना चाहिए, वी शुड ऑल्सो लुक एट दी अदर पॉइंट्स. एंड गाइज अगर तुम लोग को भी उर्फी जावेद नहीं पसंद तो प्लीज जाके उसके इंटरव्यूज देखो, यू विल एक्चुअली नो हाउ गुड ऑफ अ पर्सन शी इज. Like we are talking about hate and all. I like to talk about insecurities हो गया, then like fame हो गया, success हो गया. What's to say about that? Like these are very debated topics, and I like to hear what's your perspective about it. आजकल की इनसिक्योरिटीज कोई कोई ऐसी है जो जस्टिफाइड नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसे भी है कि लाइक जस्टिफाइड है.
ब्रो, लाइक इफ यू आर इनसिक्योर अबाउट समथिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज इनसिक्योर अबाउट हिज और हर बॉडी शेप, यू कैंट जस्ट लाइक यू नो कीप द धरना की नहीं, लव योर सेल्फ एंड यू शुड नो बॉडी पॉजिटिविटी, वेन यू योर सेल्फ नो कि यू कैन चेंज अ लाइफ स्टाइल एंड यू कैन एक्चुअली डू इट. इनसिक्योर होके तुम बस दुनिया को ये नहीं दिखा सकते कि मैं इस चीज़ के बारे में इतना इनसिक्योर हूँ एंड इसलिए यू नो आई एम वेरी डिप्रेस एंड आई एम वेरी सैड. इवन फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट फॉर अ पार्टनर फॉर आर सेल्फ, तो हम लोग को तो ऐसे लगता है कि नहीं भाई, इसको तो मतलब बिना बताए ही हमारे बारे में सब कुछ समझ में आना चाहिए एंड ही शुड ट्राई टू यू नो अंडरस्टैंड कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है एंड आई एम इनसिक्योर अबाउट दिस, तो ही शुड सपोर्ट मी एंड ऑल. तो ऐसी बात है, तो भाई जब तक तुम सामने वाले इंसान को नहीं बताओगे उसे कैसे समझ में आएगी. एंड इनसिक्योरिटीज भी अगर तुम्हारी है, इनसिक्योरिटीज सबको होती है नो मैटर वॉट. मुझे भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ है, तुम्हें भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होंगी, सुनने वालों की भी कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ होंगी. बट जस्ट ये धरना लेके बैठना कि नहीं भाई मुझे तो इनसिक्योरिटी है एंड आई एम वेरी डिप्रेस्ड एंड आई डोंट हैव अ वे आउट ऑफ इट, कुछ नहीं होने वाला है. दुनिया को दिखा के कि तुम बहुत डिप्रेस्ड हो एंड तुम्हारी कोई आके मदद करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. यू हैव टू वर्क ऑन योर इनसिक्योरिटीज ऑल फॉर योर सेल्फ, तभी तुम मूव ऑन कर सकते हो. क्योंकि अगर तुम ये इनसिक्योरिटीज़ वाले एक बार वो ब्लैक होल में गिर गए ना, इट्स वेरी वेरी यू नो डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज तुम्हारे बाहर से इन्फ्लुएंस भी इतना खराब है ना उस चीज़ के लिए. तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस एंड स्पेशली यू नो इनसिक्योरिटीज स्पेशली अबाउट दिस बॉडी पॉजिटिविटी एंड रिलेशनशिप्स, ये दो तो सबसे ज्यादा मतलब अभी बहुत ज्यादा ऐसे यू नो क्या बोलते हैं चर्चे में है. Like, what you say about fame and success now? Like, मतलब you told us about insecurities. What about fame, success? फेम सक्सेस, मुझे ऐसे लगता है कि आजकल जो भी है मेजॉरिटी, हाँ आई एम अगेन स्पेसिफाइंग दिस, मेजॉरिटी, सब केसेस होते हैं ऐसा नहीं है, बट मेजॉरिटी के लिए ये सब दिखाने का काम है. लाइक तुम खुद देख सकते हो कि इतने बड़े लाइक यूट्यूब वगैरह पे हो या फिर इंस्टाग्राम पे हो, रील स्टार्स जो होते हैं वो रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं एंड इंस्टाग्राम पे कैसे दिखते हैं. इंस्टाग्राम से तो हमें तो बहुत लगता है कि भाई ये तो कितने सक्सेसफुल है, इतने सारे लोग जानते हैं इनको, बट रियल लाइफ में लाइक दे जस्ट लुक सो डिफरेंट, दे आर जस्ट अ डिफरेंट इंडिविजुअल दैट तुम्हारे सामने से भी जाएगा तो तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे. तो मतलब आज के लिए फेम एंड सक्सेस ये सब जो भी है, इट इज जस्ट डिफाइंड टू टू बाउंड्रीज, वन इज मनी एंड सेकेंड इज पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन तुम्हें जानती है, दैट्स इट. ये दो ही चीज़ों का है. हम लोग का दिल से जो रहता है कि भाई एक इंसान सक्सेसफुल कब होता है, जब वो खुद अच्छा काम कर रहा हो प्लस वो दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा काम कर रहा हो, दूसरों के भी काम आ रहा हो वो. बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल, ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल, हम बस खुद के बारे में सोच के इस दुनिया में नहीं जी सकते, वी ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट यू नो पीपल अराउंड अस. तो दैट इज वॉट द रियल फेम एंड सक्सेस इज, वो बस पैसे और पॉपुलेशन या पॉपुलैरिटी पे बाउंडर्ड नहीं है, बट अभी के इसमें सब हर जगह पे बस वही है वही है वही है. बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली लाइफ में सक्सेसफुल है और खुश भी है विद दैट सक्सेस, वरना ऐसे नहीं है कि भाई अभी तो बस सक्सेसफुल हो गए, पैसा वैसा तो बहुत है बट मन की शांति नहीं है. As like success and fame are very subjective to everyone. Like someone may be successful enough but not so successful according to the other person. या And एग्जैक्टली like the level of success that you get, I feel somewhere we should be taught and brought up in a way that we will be able to handle it. Like I'm not telling that currently we are not able to handle it, but it's just that ki like matlab it's not that efficient. It's like अभी हमारी गाड़ी 7 का average दे रही है. If we work on it will give us an average of like 28 kilometers kind of या वैसे. Like अभी 7 का दे रही है, 28 का दे सकती है, पर but we have to work on it. So we will work on it. ऐसा kind of perspective है या तो it will be much more better. And about fame, I don't genuinely know about fame क्योंकि like I don't think there exists any part of like fame if it's not something that you can use for your good. It's Yeah, sounding that very is what even my abstract and point was, right? yeah, like it's sounding very abstract and absurd in a way. But हाँ, मतलब अगर तुम्हारी fame है, प्रचीति है जैसे लोग बोलते हैं, एंड यू आर नॉट यूजिंग इट रिस्पॉन्सिबली एंड फॉर समथिंग गुड, समथिंग बेनिफिशियल, समथिंग पॉजिटिव, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट रियली.
बट ऑल्सो आई डोंट नो लाइक यू मे हैव अनदर पर्सपेक्टिव अपॉन इट एंड आई एम वेरी मच ओपन टू लिसन एंड हैव अ कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक अ कॉन्वर्जेशन अबाउट इट एंड अबाउट इनसिक्योरिटीज लाइक इट वॉज लाइक कि इनसिक्योरिटीज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनसिक्योरिटीज दैट पीपल मे बी हैविंग लाइक देर मे बी अ फिजिकल एंड हाउ आई लुक हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ हाउ आई स्पीक हाउ आई साउंड टू पीपल हाउ पीपल टेक मी इज इन देर अ मिसअंडरस्टैंडिंग then there is like a relationship kind of emotional angle the first thing I'd like to comment on that is like just be communicative about it and also don't expect the things right away which you cannot do like matlab sabko ye chahiye ki mera partner mere se baat kare mujhe pyar kare but no one is able to and not interested I don't know but they are just not into ki like main bhi kuch karu iske bare mein like khud, yeah exactly khud work upon it na like khud try to provide your partner the ideal type of relation that you think that you want but they are just expecting we are at the expecting end of things and not at the serve or not exactly serve but provide end of the functioning I feel we are not at the provide end of functioning rather we are just on the expecting wing we are like हम expect करेंगे but हमको करना नहीं है भाई अगर कोई करेगा ही नहीं तो expect क्यों कर रहे हो किससे करोगे हाँ भाई expect किससे करोगे that's the thing like and there was like a conversation I was having with a friend of mine and in that we were talking about like efforts and things he was like ki matlab efforts bhai har jagah 100% dene padte hain and I was like ha sachi baat hai bhai 100% dega tabhi hi you will find like the optimum of it na like if you give 100 yeah, exactly. the other person gives 100 then uska average will be 100 and insecurities ka bhai वैसे कुछ है नहीं like be comfortable with yourself try to explore it like yourself through various mediums like I'll suggest ki meditation karo tumhari eating habits ho gayi sleeping schedule ho gaya exercise karne lag jao doston se baat karo relationships jo tumhari ho rahi hai romantic ones that I'm talking about be mindful about them try to note down what you learn from it and like note down as in like you can note it down in a book like people have a habit ki like I'll note down in a book or some people note down it mentally वैसे note down karo and इट्स जस्ट दैट कि अगर खुद को तुम हल्का हल्का kind of, एक साथ 5 किलो नहीं बट हर रोज एक किलो बढ़ा के इफ यू लर्न हाउ टू गेट टू दैट 5 किलो मार्क विथ लाइक एफिशिएंट अमाउंट ऑफ एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम दैट समथिंग आई फील विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और हमें ये भी बात लाइक यू नो थोड़ा समझना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज का प्रॉब्लम है तो इज इट जस्टिफाइड टू हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज लाइक वो ऐसी वाली चीज़ है नहीं तो तुम फोन पे बात कर रहे हो हाथ में फोन है और तुम पूरे घर में फोन ढूंढ रहे हो मेरा फोन कहाँ है फोन कहाँ है ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसा लेके टेंशन नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसे भी होता है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे लाइफ में बट वी आर यू नो हम बस उसको ऐसे लेके टेंशन टेंस रहते हैं कि अभी मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है एंड अभी मेरा क्या होगा मेरे लाइफ में क्या होगा नाउ हाउ डू आई सॉल्व दिस लाइफ इज लाइक यू नो मैथ्स का एक क्वेश्चन की तरह ही है तुम अगर बस उस एक्स को फाइंड एक्स दिया हुआ है और तुम बस उसमें डायग्राम में ढूंढते रहोगे एक्स कहाँ पे नहीं समझेगा बस एक टाइम पे बैठो ट्राई करो ट्रायल एंड एरर मेथड करो भाई सॉल्व हो जाता है नहीं हुआ छोड़ दो जिंदगी में और भी चीजें हैं एग्जाम में छोड़ के आते हो ना भाई क्वेश्चन क्यों छोड़ के आते हो नहीं कर पाते हो टेंशन लेते हो बाद में नहीं लेते चीजों को छोड़ना भी आना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है Like so, coming to the last final topic, jo topic jiski wajah se I felt ki like I should do definitely a podcast with you. That was your like upbringing coming from like a military force ka family. Like you mentioned it earlier, like your father he served in Navy, doing a very great job. And I like to talk about that whole experience, kind of like the family angle of it. The ye sare wings. का जो हम बात करते हैं इट्स मोस्टली ऑन लाइक द टेक्निकल वे ऑफ इट और लाइक क्या बोलते हैं रणभूमि काइंड ऑफ एक पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं लाइक द वॉरफेयर पर्सपेक्टिव से बट आई लाइक टू टॉक अबाउट लाइक अ डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव व्हिच आई फाउंड दैट आई शुड टॉक अबाउट फ्रॉम यू फ्रॉम एनी अदर पर्सन दैट आई टॉक अबाउट रिलेटेड टू द डिफेंस फोर्स इज लाइक द सेकेंड पर्सन पर्सपेक्टिव द फैमिली पर्सपेक्टिव ऑफ दैट मिलिट्री पर्सन लाइक वॉट द फैमिली थिंग्स ऑफ हिम वॉट ही डज What's the anonymity like? Just the disconnect that the person experiences after like his loved one gets involved in a different process. Them. Like, yeah. And what are the kind of behavioral, habitual things that you notice after like that significant one has done some involvement in the defense force? Like, I like to
लिसन अबाउट दैट फ्रॉम यू. ये हैबिचुअल वाली चीज मेरा सबसे द फर्स्ट थिंग, आई डोंट नो व्हाई बट इट क्लिक्ड इनटू माय माइंड, वाज इट वाज एन एक्सपीरियंस. तो यू नो पापा नेवी में होने की वजह से ना, वी हैव दिस टू टाइप ऑफ क्लॉक सिस्टम, वन इज द 24 आवर फॉर्मेट एंड वन इज द 12 आवर फॉर्मेट. एंड वंस आई एम हैविंग ब्रेसेस राइट नाउ, तो लाइक मेरे डेंटिस्ट के पास मुझे एवरी मंथ जाना पड़ता है. And my dentist, you know, once when I was just sitting in front of him, and he was like, "तुम्हारे पापा मुझे ना ये हमेशा 1300 hours, 1500 hours, you know, ऐसे में क्यों text करते हैं? मुझे बैठ के you know सोचना पड़ता है कि वो कितना होता है, because we are you know very much used to the 12-hour format. And then I told them कि actually it's like कि navy वगैरह में whenever you are on a mission or something, तो you know कोई directions बताने के लिए उन लोगों में वो क्लॉक सिस्टम होता है कि दे डू टेल यू दैट 1 o'clock ऑन द राइट, दैट विच मीन्स दैट दिस मच यू शुड ट्राई टू इमेजिन कि तुम अगर सामने फेस कर रहे हो तो यू आर फेसिंग 12 o'clock. या एक्चुअली बहुत सारे मूवीज में भी वो चीजें दिखाई जाती है, बट इसके बारे में नहीं है भाई. या एक्जेक्टली. एंड कभी कभी क्या होता है कि व्हेनेवर दे आर टॉकिंग ऑन द वॉकी टॉकी और समथिंग, वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर. तो यू नो AM एंड PM इट इज अ वेरी लाइक यू नो झमेला बनाने वाला चीज. तुम कब AM बोल रहे हो कब PM बोल रहे हो, इट्स नॉट वेरी प्रॉपर क्लियरली ऑडिबल. तो इसलिए उन लोगों को वो आदत होती है कि रादर देन रेफरिंग टू इट एज 1 PM दे रादर रेफर टू इट एज 13 hours. तो वो चीज़ मतलब मेरे पापा का एक वो हैबिट तो है कि वो इतना ज़्यादा मतलब उनमें घुसी है कि वो मुझे भी कभी अगर ऐसे कैजुअली मैसेज कर रहे होंगे ना कि मैं तेको 5:30 को पिकअप करने के लिए आता हूँ, तो देर भी लाइक मैं तेको 18 hours में पिकअप करने के लिए आता हूँ, मैं तेको 15 hours में पिकअप करने के लिए आता है. या एग्जैक्टली मुझे लेजिट ऐसे बैठ के सोचना पड़ता है ओके इन्होंने 15 hours किया है, सो आई हैव टू थिंक ओके 1 o'clock इज 13 hours, 2 o'clock इज 14 hours, 3 o'clock ओके दे आर गोना पिक मी एट 3. मुझे ऐसे बैठ के सोचना पड़ता है. टॉकिंग अबाउट द हैबिट्स एंड ऑल, तो हाँ उनकी अभी भी ऐसी हैबिट है, दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन एंड दे हैव ऑलवेज हैव दिस माइंड सेट कि यू नो तुम अगर कभी भी कोई चीज़ को कर रहे हो यू शुड ऑलवेज बी परफेक्ट एट इट. उनका माइंड सेट ऐसा है कि अगर तुम कुछ ट्राई भी कर रहे हो तो यू शुड डू इट परफेक्टली. एंड ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए लाइक जैसे मैं बाइक सीख रही थी 10th की छुट्टियों के बाद, एंड सीरियसली मतलब मैंने लेजिट 2 दिन में बाइक सीखी. अरे ऐसा क्यों था, मैंने इतनी डांट खाई मेरे पापा के कि एक बार तो लाइक क्या हुआ था, किक मारते मारते मेरा पैर इतना ज़्यादा जोर से रिबाउंड हो गया कि मेरे को जो हैंडल होता है वो लग गया नीज पे जोर से, एंड इट वॉज ब्रूज. And rather than caring कि मुझे लग गई है, मेरे पापा मेरे को चिल्ला रहे थे राधा कि क्यों थे क्या तेरे को गाड़ी का किक मारना नहीं आता, मैं कब से तेरे को बोल रहा हूँ, एक बार तेरे को सीखने के लिए दिया, you should do it perfectly and all वो perfectionist attitude रहता है ये वो defense का आदमी. बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा, and perfectionist ज़्यादा, he is very very disciplined. अभी भी मतलब you know किसी भी उनसे तुम कभी बात करोगे ना तो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द इमोशंस, यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशंस कि उन्होंने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, उन्होंने दुनिया को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है. एंड माई फादर इज सच अ गॉड पर्सन, उन्होंने 10 years नेवी में सर्विस किया, देन 10 years उन्होंने प्राइवेट लाइफ में किया, एंड अगेन नाउ ही इज़ इन अ गवर्नमेंट सर्विस. तो बेसिकली इट्स लाइक दुनिया भर के जितने भी जॉब्स के एक्सपीरियंस है ही हैज़ डन एवरीथिंग ऑफ दैट. वो अभी भी सुबह 5 बजे उठ के कभी कभी यू नो रनिंग के लिए जाते हैं. ही स्टिल रन्स लाइक 1 complete round ऑफ सेंट्रल पार्क. ही इज लेजिट मोर देन 50 years एंड स्टिल ही डज दैट. सो लाइक हिज बॉडी इज सो स्ट्रांग कि मतलब नहीं बोल सकते भाई उनसे कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता भाई. तगड़ी ट्रेनिंग हुई है. एग्जैक्टली. व्हाट्स द लाइक फैमिली पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक, मतलब ऑफ कोर्स तू नहीं थी तभी, आई नो दैट लाइक यू वर वेरी लाइक इन टॉडलर एज, बट लाइक व्हाट हैव यू हर्ड फ्रॉम योर फैमिली एंड व्हाट यू रिमेंबर ऑफ इट, वैसे कुछ बता दे. ओके, तो हाँ ये सच है कि मतलब मुझे मेरे पापा की यू नो सर्विस वाले लाइफ ज्यादा याद नहीं है, बिकॉज मेरे पापा जब रिटायर हुए आई वाज लेजिट जस्ट 3 years old. तो 3 साल के बच्चे को भाई क्या ही याद रहेगा. बट ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो मैंने मेरे फैमिली से सुने हैं, एंड उसमें मेन एक्सपीरियंस मेन पार्ट मतलब उनके लाइफ का ये था कि जब मेरे पापा नेवी में थे तो मेरी मॉम मेरी दादी और ये सब लोग हमारी पूरी फैमिली नेटिव प्लेस में रहते थे. एंड माय फादर लाइक ही यूज टू गो ऑन द जॉब एंड ही यूज टू लाइक कम आफ्टर सम मंथ्स. एंड कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पूरे साल भर में 1 या 2 महीना एक साथ वो आते थे एंड देन होल ईयर ही वुड बी गॉन फॉर द जॉब फॉर द सर्विस. तो उस टाइम पे दे यूज टू टेल मी कि लाइक यू नो
एक तो मतलब मेरी मम्मी ऐसी है कि उनको मेरे पापा यू नो कहना थोड़े से हेल्दी रहते हैं ना, वैसे अच्छे लगते हैं, बट बिकॉज उनका ट्रेनिंग एंड ऑल इतना स्ट्रिक्ट था ना, तो माई फादर ही वॉज लाइक इन अ वेरी फिट एंड फॉर्म यू नो स्लिम ट्रिम वाला इंसान. तो शी यूज टू टेल मी दैट शी यूज टू लाइक समटाइम्स फील सो सैड फॉर हिम कि मतलब यू नो हाउ हार्ड दे हैव टू वर्क. वो था एंड देन उसके बाद यू नो जो कितना भी बोलो बट वो जाते टाइम जो एक दिल में फियर रहता है ना कि मतलब आफ्टर कितना भी बोलो भाई शिप में थे मेरे पापा, तो ऑफ कोर्स लाइक मॉम को मेरी दादी को मेरे काका मतलब जो मेरे पापा के छोटे भाई थे वो सब लोग एक साथ रहते थे, तो वो जो कहीं ना कहीं मतलब हम लोग कितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें बट वो एक यू नो फिर ना मिलने का या फिर ना मिल पाने का जो एक फियर रहता है ना दिमाग में, वो भाई इट्स वेरी वेरी अनएक्सप्लेनेबल. मतलब वो हम लोग वर्ड्स में डाल ही नहीं सकते, तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत है. एंड देन उसके बाद जैसे मैंने तुम लोग को बोला स्टार्टिंग में ही कि जैसे फैमिली कंडीशंस उनके टाइम पे इतने अच्छा नहीं थी, तो मेरे पापा ही वैसे लाइक कभी भी मतलब जब भी वो घर आते थे गांव में तो लाइक ऑल द हार्ड अर्न्ड हिज मनी ही यूज्ड टू हैंड ओवर टू हिज फैमिली जस्ट सो दैट उनकी फैमिली जो के जो नीड्स है वो पूरे हो पाए. एंड मे भी हो सकता है कि मेरे पापा पहले से ही मतलब ऐसे टाइप की यू नो एनवायरनमेंट में रहने की वजह से उन्हें अभी भी ऐसा घूमने फिरने का इतना कोई खास शौक नहीं है. एंड हम मैं और मम्मी तो मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत चिढ़ते हैं उन पे कि मतलब यू नो कहीं घूमने नहीं लेने जाते या फिर कहीं कुछ नहीं ये नहीं वो नहीं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है ब्रो, तो ये समझना He is चाहिए. the way एंड he is. Like या that was his life for like a major chunk of his whole age. या So like he या has survived like that. He has like या lived his life that एग्जैक्टली certain way. So we cannot change that. So it's like या ki एग्जैक्टली you adjust to it and you there is a certain way that you have to tell them ki like ye aisa hai to aisa hai. And they या that's only the way that they'll understand it. क्योंकि उनको like वैसे they have been लाइक क्या बोलते हैं वैसी उनकी चाबी घूमती है लाइक वो या चाबी एग्जैक्टली उसको एग्जैक्टली स्पेसिफिक वे में ही वो चाबी जानी चाहिए वरना दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट. बट इट्स क्वाइट फाइन लाइक ठीक है भाई हाँ जिससे मैंने प्यार मतलब करते अभी हो जिसके लिए केयर करते हो उसके लिए इतना तो कर ही सकते हो ना यार लाइक उसमें या क्या है लाइक एग्जैक्टली फैमिली है वो एट द एंड ऑफ द डे ही इज योर डैड यू आर हिज डॉटर एंड लाइक दैट्स अ ग्रेट बॉन्ड दैट यू कैन बिल्ड विथ या टाइम. एग्जैक्टली मतलब मैंने अभी इतना सब कुछ बोला बट आई सीरियसली टेल यू मुझे कभी भी आज तक मतलब मैं छोटी थी तब से लेके अभी मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आई वॉन्टेड दिस थिंग बट माई फादर नेवर गेव मी, नेवर एवर. मतलब मैंने तुम लोग को बोला कि मतलब ही हैज़ अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर अस, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए बट ही जस्ट ट्राई टू लाइक यू नो जितना हो सके उतना कर सकते हैं वो हमारे लिए. एंड इसीलिए तो उन्हें हमसे भी इतना ज़्यादा होप्स रहता है कि यू नो उन्होंने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, तो उन्हें नहीं चाहिए कि हम हमारी लाइफ में आगे जाके मतलब मैं या मेरा भाई एंड हमारी कमिंग जनरेशन जो भी हो वो लाइफ में इतनी आगे सफर ना करे, इसलिए दे आर स्टिल स्टिल लाइक वर्किंग सो हार्ड. एंड आई सीरियसली आई समटाइम्स यू नो कभी कभी सोच के रोना भी आता है ऐसे कि यू नो इतना मतलब इस इंसान ने स्ट्रगल किया है. एंड समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि यू नो लाइक कभी झगड़ा हो गया या फिर कभी कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा अलग पड़ गया तो हम लोग कभी कभी यू नो उल्टा बोल जाते हैं, तो वो चीज़ का बहुत बुरा लगता है कि भाई मतलब ऑफकोर्स उन्हें भी यही लगता है ना कि देयर चिल्ड्रन शुड ग्रो अप टू द बेस्ट दे कैन. एंड ऑल 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 द डिफेंस पीपल हु आर सर्विंग फॉर दिस कंट्री, जिन्होंने पहले किया है अभी कर रहे हैं आने वाले लोग करेंगे, सबके लिए इट्स अ वेरी वेरी दिस थिंग बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग सोल्जर्स को जितना भाई रिस्पेक्ट देना चाहिए ना उतना नहीं दिया जाता है, उनकी रियल लाइफ क्या है ये कभी देख ही नहीं पाते. और वो इसी रीजन की वजह से हम लोग अभी मैं यहाँ पे खड़े रह के बहुत बोलूंगी कि नहीं भाई मुझे सोल्जर्स पे बहुत प्राउड है एंड आई फील दिस एंड दैट. एंड इसमें यू नो एक बहुत बड़ा फैक्टर मतलब एज अ चाइल्ड जो मुझे यू नो इसके बारे में बहुत पेनफुल ऐसे लगता है सुनने में कि मतलब इन लोग का इतना सारा यू नो सर्विस करने के बाद भी बाहर के जो फैसिलिटीज होते हैं इफ देर आर एनी सम स्पेशल फैसिलिटीज और समथिंग प्रोवाइडेड, लोगों को ये बात यू नो पड़ती नहीं है, लोग झगड़ने लग जाते हैं इस बात के लिए कि वाई शुड दे बी प्रोवाइडेड दिस इफ वी आर नॉट प्रोवाइडेड. तो ये बात का बहुत बुरा लगता है कि लोग इस चीज़ को समझने का मतलब यही नहीं रखते कि भाई उनको अभी ये सब फैसिलिटीज मिल रहे हैं तो इट्स बिकॉज दे हैव यू नो उनका पूरा जितना लाइफ था उनका टीनेज लाइफ या फिर उससे भी ज़्यादा
ये सब उन्होंने उनके कंट्री को सर्व करने के लिए दे हैव गिवन इट आउट, बट स्टिल पीपल आर लाइक, तो ये मतलब तो सोच के बहुत बुरा लगता है कभी कभी कि हमारी कंट्री में अभी भी मतलब जितना उन लोग को उन लोग के बारे में जाना जाना चाहिए उतना नहीं जानते लोग, एंड दे वही शुड थॉट है एक्चुअली भाई, वही अंडरस्टैंड इट. थॉट है, हम होंगे कामयाब एक दिन, जरूर होंगे, लाइक वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, वी आर रिलेटिवली अ वेरी न्यू नेशन एंड लाइक वी आर स्टिल, मतलब इट्स लाइक गरीबी में आटा गीला अभी भी है हमारे यहाँ पे, लाइक वी आर स्टिल ट्राइंग टू बहुत ज्यादा मेक, बहुत ज्यादा. वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर थिंग्स, बट इट्स क्वाइट ओके क्योंकि वी आर रिलेटिवली अ वेरी न्यू नेशन, वी आर, बट वॉट एवर वी आर दैट वी हैव स्टिल डन, डेवलपिंग, राइट? या भाई, बट वॉट एवर दैट वी हैव डन टिल नाउ इट्स वेरी कमेंडेबल, सो वी कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट, सो दैट्स वन थिंग, लाइक हम होंगे कामयाब एक दिन, लाइक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड वी विल नोट, वेट फॉर दैट वन डे येस वी नॉट विच वी दैट नो वन डे वी आर नॉट बट गोना एक्सपीरियंस, बट वही वो एक ही दिन है जो हम लोग को यू नो वो एक दिन बोलने के नाम पे वी हैव दैट होप दैट वन और दी अदर डे वी आर गोना रीच देयर, दो वी वी नो होंगे दैट ऐसा कोई कामयाब एग्जैक्टली एक ही दिन, नहीं लाइक होता. एक ही दिन नहीं एक एग्जैक्टली, दिन, लाइक वही है, तो वो एक दिन होप्स रहता है सबका बस कि पहुंचेंगे उस दिन कहीं पे, और वही यस होप्स की वजह से वी आर स्टिल मूविंग ऑन जरूर गोइंग ऑन. जरूर पहुंचेंगे, लाइक दैट्स दी एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, क्यों हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वगैरह, लाइक डिड यू लाइक इट कमिंग ऑन द पॉडकास्ट वगैरह, लाइक इज देयर एनी सजेशन दैट यू लाइक टू गिव मी वगैरह, वैसे लाइक एकदम पर्सनल सजेशन पर्सनल नो, टॉक, मुझे तुझसे सजेशन लेना चाहिए. एग्जैक्टली, यू नो, या इट वाज ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिसके बारे में हम बात कर सके एंड आई कुड गेट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू. एंड ये बात मुझे मतलब अभी भी मतलब मुझे अभी भी ये बात ऐसे लगी कि मुझे ऐसे मतलब ये बात का यू नो बहुत कॉन्शियसनेस रहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे थॉट्स कभी किसी को मतलब यू नो कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. आई डोंट नो व्हाई बट आई ऑलवेज हैव दिस थिंग, बट आज के पॉडकास्ट में मुझे ये लगा कि इट्स ओके टू यू नो हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा नहीं है कि सब क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो यू नो तुम्हारी बात को समझने के लिए, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हें करेक्ट करने के लिए भी है. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू यू नो फॉर पीपल जो लोग ज्यादा सोशलाइज नहीं है. ये इंट्रोवर्ट का पॉडकास्ट नहीं है बाबा, ये जिसको पॉइंट चाहिए, जिसको पॉइंट बनाने, अपने प्रेजेंट करने, एग्जैक्टली. आके आओ भाई मेरे से बात करो, मेरे को जनरली लोगों से बात करने में मजा आता है, इसके लिए मैंने पॉडकास्ट शुरू किया है ये, एंड ऑल्सो मेरे को लाइक चीज़ें सीखने में मजा आता है, एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, लाइक जेन्युइनली आज के पॉडकास्ट का लाइक प्रेप भी जब हम लोग कर रहे थे एंड लाइक अभी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इन दैट आई गॉट सम डेफिनेटली लाइक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो मैंने लाइक मतलब मुझे लगता है कि मैं अलग सोचता हूँ पर लाइक इतना भी अलग नहीं सोचता हूँ कि पूरा ही वो इट्स काइंड आउट ऑफ ऑफ द कंक्लूसिव बॉक्स हो जाए, या कंप्लीटली. लाइक देयर इज ऑलवेज दैट लिटिल बिट दैट यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम कॉन्वर्जेशंस, फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एट द एंड ऑफ द डे, सो लाइक दैट्स समथिंग आई एम वेरी होपफुल अबाउट. इनफैक्ट यू नो मुझे तो तुझसे तो पूछना चाहिए. यू आर आस्किंग मी फॉर सजेशन, रादर आई शुड आस्क यू फॉर सजेशंस कि ब्रो टेल मी व्हाट टू डू, बिकॉज आई कुड माई सेल्फ फील कि लाइक मेरा लाइक बहुत सारा टॉपिक्स था ना, तो उसमें इट वॉज लाइक कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे कि जिसमें आई वॉज इन हैविंग मेजर पॉइंट्स, सो लाइक बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे काइंड ऑफ रिपीटेटिव थे मेरे लिए बिकॉज जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट मच नोन अबाउट इट. तो हाँ बट इनफैक्ट लाइक मुझे वॉट तुझसे एवर पूछना पॉइंट्स दैट यू चाहिए. हैड लाइक वो तूने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट किया, एंड ऑल्सो लाइक मतलब पॉडकास्ट का यही एक जॉय रहता है कि लाइक वाइल टॉकिंग यू कैन गो टू सम वेरी डिफरेंट टैंजेंट्स एंड लाइक कनेक्टिव पूरा जर्नी रहता है, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, लाइक यू कैन कनेक्ट टू समथिंग एल्स, टू समथिंग एल्स, टू समथिंग एल्स, लाइक इट्स नॉट जस्ट लाइक वन स्टिक टू फॉर्मेट, लाइक लेट्स से अ ट्रेडिशनल इंटरव्यू, पॉडकास्ट इज जस्ट लाइक टू पीपल जेन्युइनली जस्ट टॉकिंग एंड रिकॉर्डिंग इट बट हैविंग सम फॉर्म टू इट, आई फील लाइक सम कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म टू इट, इज देर एनी एंडिंग नोट दैट यू विल लाइक टू गिव टू द ऑडियंस? वही मैं यही बोलना चाहूंगी कि वी शुड ट्राई टू एक्सेप्ट थिंग्स. एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट, ये दो ही चीजें हैं जो यू नो अभी करेंटली हमारे लाइफ में, बिकॉज पढ़ाई के बारे में कुछ बोलेंगे तो भाई पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, दैट्स दी ओनली थिंग. एंड यू शुड नो वट एवर यू आर डूइंग इज इट राइट और रॉन्ग, एंड यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. मतलब हो सकता है वो तुमसे मतलब उनका नॉलेज तुमसे कम है, बट भाई कम से कम इस चीज से उनको रिस्पेक्ट करो कि उन्होंने जिंदगी तुमसे ज्यादा देखी है. तो दैट इज वॉट माई एंड लाइन इज एंड यू कैन गो अहेड.
दैट्स इट दैट वी हैव गॉट फॉर दिस पॉडकास्ट. अगर मजा आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू नो द ड्रिल. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. अगर आप इसे किसी पॉडकास्ट होस्टिंग ऐप पे देख रहे हो, जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, गूगल पॉडकास्ट हो गया, एप्पल पॉडकास्ट हो गया, तो फिर इस पॉडकास्ट को फॉलो करना मत भूलना. और जो सितारे दिख रहे होंगे आपको रेटिंग के, उसको अच्छे से चमका दो. हम लोग तक पहुँच जाना चाहिए, उसकी रोशनी हम तक पहुँच जानी चाहिए. एंड शेयर इट यस विथ ऑल द फ्रेंड्स दैट यू हैव विद द फैमिली. लाइक सात समुंदर पार पहुंचा दो इस पॉडकास्ट को. लाइक इट्स अ वेरी स्मॉल इनिशिएटिव दैट आई हैव स्टार्टेड, एंड इट्स जस्ट लाइक द मोटिवेशन दैट आई गेट, दैट आई गेट टू टॉक टू विद सो मच पीपल, सो मैनी पीपल अबाउट सो मच टॉपिक्स. एंड जस्ट लाइक मतलब द मोटिवेशन दैट यू गेट फ्रॉम क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड फ्रॉम लाइक द ऑडियंस गिविंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स, दैट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट. लाइक इट्स वेरी वेरी छोटा बट ठीक है भाई, लाइक हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके. इट्स वेरी वेरी नाइस, बट द होल जर्नी ऑफ इट इज वेरी वेरी सैटिस्फाइंग. Yeah, I'm actually very thankful that I got a friend like you who's very understanding and rather than ऐसे बर्थडे का criticizing मस्का चल रहा है, ये everything. लोग को बर्थडे का पार्टी चिप का मस्का लग रहा है ये. कुछ नहीं, I बाकी know कुछ नहीं ये है ये. मुझे कोई बर्थडे की पार्टी नहीं देने वाला. आई नो ब्रो, अब मुझे आज पता चला तेरा बर्थडे है. ओके, वो भी तेरे इंस्टा पे देखा था मैंने, मेरे को पता भी नहीं था तेरा बर्थडे है. ठीक है, यस, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर दिस पॉडकास्ट गाइज. मजा आया तो मजा आया, नहीं मजा आया तो लिख दो भाई क्यों मजा नहीं आया. अगली बार ज्यादा मजा करेंगे. फिर अगर आप ये रात को सुन रहे हो तो आपको एक अच्छी साउंड काम ऐसी नींद आए, इसकी हम मनोकामना करते हैं. एंड इफ यू आर लिसनिंग इट इन द मॉर्निंग, यू विल हैव अ वेरी मोटिवेटेड, एनर्जेटिक एंड चार्ज्ड, ऐसा प्रोडक्टिव डे होगा तुम्हारा, इसके हम विश करते हैं. एंड दैट्स ऑल वी गॉट फॉर दिस एपिसोड गाइज. बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम. सत श्री अकाल, लेट्स गो, बाय बाय.